बैंक ऑडिट कंप्लीट रिवीजन जल्दी जल्दी कर लो फ्री रिसोर्सेज वाले कोर्स में जाके केस स्टडी की कंपाइलेशन एम की कंपाइलेशन डाउनलोड कर लो पढ़ाई कर लो भाई ठीक है बाकी रिवीजन वीडियोस भी देख लो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो और ऑडिट में क्या चाहिए मेरी तरफ से मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ ऑडिट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बुक्स अवेलेबल है। हैं आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं एड नाइनटी वन डॉट ओ आर जी पे रिविजन वीडियो और क्लासेस पसंद आई तो है तो अपने जूनियर्स को रिकमेंड भी कर दीजिएगा आप हमारे सी ए इंटरमीडिएट ऑडिट के स्टूडेंट हैं तो सी ए फाइनल ऑडिट की क्लासेस पे आपके लिए फिफ्टी परसेंट का ऑफ रहने वाला है नए लाइव बैचेज हम लोग शुरू करने वाले हैं आने वाले एक दो महीने के अंदर तो आपको वेबसाइट पर जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी डब्ल्यू 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 डॉट एड नाइनटी वन डॉट ओ आर जी ऑल दी बेस्ट गॉड ब्लेस यू चैप्टर टेन की बच्चों रिवीजन वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास सात मिल रहेगा बिल्कुल स्पीड से टाइप ऑफ बैंक तो पहला बैंक है बच्चों कमर्शियल बैंक कमर्शियल बैंक का क्या करना है आपने बस याद रखें सबसे ज्यादा हैं कमर्शियल बैंक वाइड स्प्रेड हैं इंडिया के अंदर इनके पास बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते हैं किसके लिए पब्लिक के लिए और अदर सेगमेंट अदर सेगमेंट मतलब बिजनेसमैन के लिए भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स इनके पास होते हैं मेन फंक्शन इनके क्या होते हैं बेटा एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग द एडवांसेज एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग द एडवांस बस खत्म इस तरीके से आपकी रिविजन होनी चाहिए बच्चों इस टॉपिक की फिर से बोल दूँ कमर्शियल बैंक मोस्ट वाइड स्प्रेड बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस आपकी जनरल

सॉरी राइट right? तो ये उस एक्ट के थ्रू जो है बनाए जाते हैं और और इनका मेन काम होता है बेसिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल नीड ऑफ द रूरल कॉम्युनिटीज को सर्व करना एग्जांपल में एक नाम याद रख सकते हैं आप लोग पंजाब ग्रामीण बैंक कोऑपरेटिव बैंक कौन से होते हैं बेटा कोऑपरेटिव बैंक अगेन कमर्शियल बैंक की तरह ही होते हैं बस ये कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स बना होते हैं कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जहां पे बहुत सारे मेंबर्स मिलके अपने एक दूसरे की हेल्प के लिए एक एंटिटी बनाते हैं ऐसे बहुत सारे मेंबर मिलकर जो है वो कोऑपरेटिव बैंक भी बना सकते हैं इन्हें बोलते हैं कोऑपरेटिव प्रिंसिपल खास बात यह है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर जो है क्या करेंगे अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे इनकी मेनली ये किसे फोकस करते हैं एग्रीकल्चरल एंड रूरल सेक्टर्स अति दुखी आत्मा डाउट नंबर वन सर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है बेटा कोई डिफरेंस नहीं दोनों की फॉर्मेशन के अंदर डिफरेंस है ये कोऑपरेटिव फॉर्म में चल रहे हैं ये आपके आरआरबी एक्ट 1976 के हिसाब से जो है वो बनाए गए हैं अलग-अलग एक्ट जो दोनों को गवर्न कर रही है मेनली आप एक बात और समझ सकते हैं कि कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स पर चलते हैं तो मेंबर्स पे इनका अपना एक अलग फोकस जो है वो रहता है आ जाओ जी देन पेमेंट बैंक की बात करते हैं नए नए तरीके कुछ बैंक जो है बाहर आए निकल के ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं लेकिन रिस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट ऐसा नहीं कि भाई आप अगर एच में दस करोड़ डलवा सकते हो तो इसमें भी दस करोड़ डलवा सकते हो नहीं यहाँ पे भी कुछ लिमिट्स हैं वो लिमिट्स हमें नहीं पढ़नी है आप रिस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट जो है वो कर सकते हो लोन इशू ये नहीं कर सकते हैं याद रखिएगा क्रेडिट कार्ड से इशू नहीं कर सकते हैं लेकिन आपके लिए ये सेविंग्स अकाउंट करंट अकाउंट आप इसमें खुलवा सकते हो डेबिट कार्ड ले सकते हो ए ले सकते हो इंटरनेट बैंकिंग फैसिलि बैंकिंग फैसिलिटी वगैरह जो है वो ले सकते हो एग्जाम्पल में एयरटेल पेमेंट बैंक देन बात करते हैं डेवलपमेंट बैंक इन बैंक का ऑब्जेक्टिव होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप का इसमें हमारे को बस तीन चार नाम याद रख लेने हैं इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आईएफसीआई आई आई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया डन मेन टास्क क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के लिए फंड प्रोवाइड करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी नए निकल गया है बच्चों ये भी बेसिक फाइनेंशियल एंड बैंकिंग फैसिलिटीज बेसिक फाइनेंशियल एंड बैंकिंग फैसिलिटीज टू अनसर्व एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर लाइक स्माल मार्ज फार्म एंड स्माल एंड माइक्रो बिजनेस अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इनको बहुत फोकस रहता है बच्चों स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेस यूनिट्स के ऊपर आपने जैसे नाम पढ़ा ना ए यू स्माल फाइनेंस बैंक इससे पहले फिर नॉट रॉन्ग बंधन बैंक भी जो है इसी तरीके के काम किया

देन इसके बाद बात करते हैं बच्चों रेगुलेटिंग बॉडी की बहुत सिंपल है बहुत ज्यादा सिंपल है मुझे बताइए रेगुलेटिंग बॉडी कौन सी है बेटा बैंक्स की इंडिया में आरबीआई 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 का काम क्या है आरबीआई सेंट्रल बैंक है आरबीआई डेवलपमेंट करता है सुपरविजन करता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फाइनेंशियल इंडस्ट्री की या फिर फाइनेंशियल सेक्टर के और कॉन्स्टिट्यूंट्स कौन होते हैं बैंकिंग कंपनी होती है आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी इसके अंदर आती है कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए बच्चों इजी वर्ड आप लोग क्या बोल सकते हैं पार्टिसिपेंट्स बोलिए क्या बोल सकते हैं पार्टिसिपेंट्स तो आरबीआई सेंट्रल बैंक है डेवलप करता है सुपरवाइज करता है पार्टिसिपेंट्स को साथ साथ में ये मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी भी जो है बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर और क्या फंक्शंस है इशू ऑफ करेंसी रेगुलेशन ऑफ करेंसी इशू जैसे दो के नोट इशू करना दो के नोट वापस ले लेना राइट right. ये सब बच्चों इसी के फंक्शन में आता है इशुएंस ऑफ करेंसी रेगुलेशन ऑफ करेंसी एंड उसके बाद बैंकर टू द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बैंकर टू द कमर्शल एंड अदर टाइप ऑफ बैंक सान जी बैंक टू द कमर्शल एंड अदर टाइप्स ऑफ बैंक उसके बाद आर बी आई को और क्या एक्टिविटीज दी गई हैं रेगुलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ कमर्शल बैंक और कोई भी बैंक अपना बिजनेस कमेंस नहीं कर सकता नई ब्रांच नहीं खोल सकता है विदाउट ऑप्टेनिंग विदाउट ऑपटेनिंग लाइसेंस फ्रॉम आर बी आई आर 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 बी आई बैंक को इंस्पेक्ट भी कर सकता है आर बी अकेला काम नहीं कर पाएगा तो उसको जरूरत पड़ती है चार्टेड अकाउंटेंट्स की लीजिए आर बी आई पे शॉर्ट नोट लिखने को आगे बच्चों क्या आप लोग लिख सकते हैं बोल दीजिए हाँ कहना कमॉन बोल दो बिल्कुल लिख सकते हैं सर कैसे लिखेंगे इधर देखिए दोबारा से बोलता हूँ आर बी आई सेंट्रल बैंक है कमॉन आर बी आई सेंट्रल बैंक है रेगुलेट करता है आर बी आई बैंकिंग इंडस्ट्री को डेवलप करता है सुपरवाइज करता है पार्टिसिपेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स को साथ साथ में गवर्नमेंट के साथ मिलकर मॉनिटरी और क्रेडिट पॉलिसी भी बनाता है पैसे इशू करता है पैसों को रेगुलेट करता है कमॉन पैसे इशू करता है पैसों को रेगुलेट करता है और साथ साथ में स्टेट गवर्नमेंट का बैंकर है बैंकरस का भी बैंकर है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंकर है और बैंकर्स का भी बैंकर है इसी के साथ याद रखिएगा सारी ब्रांचेस सारे, ब्रांचे, सारे बैंक की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना का काम है तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ ये बात कोई भी बैंक अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकता विदाउट विदाउटिंग लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई नई ब्रांच नहीं शुरू कर सकता विदाउट विदाउटिंग परमिशन और लाइसेंस फ्रॉम दी आरबीआई लीजिए बैंक को इंस्पेक्ट भी कर देता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देखो अभी हुए हैं मिनट छः मिनट में बच्चों ने टॉपिक्स रिवाइज कर लिए यही स्पीड मेंटेन रखिएगा प्लीज़ अगर आप मैं बार बार बोलता जाऊंगा चैप्टर में बनानी है कमांड तो बेटा आपको ये स्पीड रखनी पड़ेगी इसकी रिवीजन के लिए राइट अब देखो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कोई भी सात एक्ट पाँच एक्ट के नाम याद कर सकते हैं यस सबसे पहले बेटा कौन सी आरबीआई सबसे ऊपर तो सबसे पहले आरबीआई एक्ट नाइनटीन उसके बाद बच्चों कौन सी कंपनी एक्ट दो हज़ार एक्ट दो पमला पमला बच्चों प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट दो दो राइट right. और एक एक्ट जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी इस चैप्टर में वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अब आपको पता है सेक्शन 29 डील्स विद द अकाउंट्स सेक्शन 30 डील्स विद द ऑडिट याद है बच्चों ये बातें हम दोबारा वहां पे भी पढ़ लेंगे अकाउंट्स में आपको क्या बोला गया थर्ड स्केड्यूल में जाओ फॉर्म ए देखो फॉर्म बी देखो फॉर्म ए क्या था आपका बैलेंस शीट था और फॉर्म बी क्या था आपका पी एंड एल था कमॉन नो yes no? बोल दो आ जाओ जी देन इसके बाद एस बी आई एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फाइव ये तीन एक्ट्स आप लोग याद रख सकते हैं कंपनीज एक्ट मैंने आपको बोली दिया ये चार आ गए हमारे पास और उसके बाद हमने एक आई टी एक्ट कर ली है एक पम्बला कर ली है और एक रीजनल रूरल बैंक याद कर लीजिए नाइनटीन सेवनटी सिक्स दैट्स इट बस इससे ज्यादा आपको और एक्ट्स के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है ये भी बच्चों में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की तरह करके चल रहे हैं कि कहीं गलती से आई से आई ना पूछ ले बताओ जी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होता है कुछ एक्स के नाम लिखो तो हमें याद रहेंगे सात नाम बोलिए एक बार भाई एक बार रिवाइज करा देता हूँ बच्चों सबसे पहले क्या आरबीआई एक्ट नाइनटीन थर्टी फोर दूसरा हमारा आ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन फोर्टी नाइन फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है कंपनी दो हजार तेरह पम्बला दो हजार दो आई टी दो हजार उसके बाद बच्चों में पास आ जाती है एक एस बी आई एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फाइव लीजिए हो गए सारे मेरे ख्याल से मैं सारे बोल दिए कम आन, बोल दो हाँ क्या रीजनल रूरल बैंक रह गया था नाइनटीन सेवेंटी सिक्स चलिए जी आ जाओ जी आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कौन है ये नलायक वाइट बोर्ड ऑन कर रहा है हाँ जी आगे चलते हैं देखने की कोशिश करते हैं बच्चों बैंकिंग ऑपरेशन बैंकिंग ये

कंट्रोल प्रोसीजर बनाते हैं ताकि बैंक का बिजनेस हो पाए एंड लीगल डेलीगेशन ऑफ पावर फिक्सिंग ऑफ रिस्पांसिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ओके और किसमें okay. किस हैं सुपरविजन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ओवर दी बिजनेस अल्टीमेटली ये देख रहे होते हैं कि भाई बैंकिंग का बिजनेस जो है एज पर दाइडलाइंस चल रहा है या नहीं बोलिए आ जाओ जी देन एक और जबरदस्ती का टॉपिक बच्चों मैं आपको टाइम साथ साथ बताता चल रहा हूँ आठ मिनट हो गए हमें आठ मिनट हाँ जी एक और जबरदस्ती का टॉपिक देखते हैं सम ऑफ़ द डिफरेंट सम ऑफ द डिफरेंट फीचर्स ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन कैसी है बहुत ज्यादा बिजनेस कैसा है फैला हुआ जग स्प्रेड अच्छा जी उसके बच्चों याद रखें प्रोडक्ट और सर्विसेज भी बहुत सारे हैं रेंज इनकी बहुत ज़्यादा है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इनके पास बहुत सारे हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़बरदस्त और विजिलेंस भी बहुत ज़्यादा है बैंकिंग रेगुलेटर की तरफ से नंबर वन फिर से ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा है जोग्राफिकली फैले हुए हैं ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा है जोग्रफिकली फैले हुए हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज भी बहुत सारी हैं टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज़ है और विजिलेंस बहुत ज़्यादा है रेगुलेटर की तरफ से आ जाओ जी टाइप्स ऑफ बैंक रिपोर्ट टू बी शूड बहुत सिंपल है बच्चों टाइप्स ऑफ बैंक रिपोर्ट टू बी शूड ऑल मैंने इसका शायद शॉर्ट नोट भी बनाया था आपके लिए आ जाओ जल्दी से दिखा देता हूँ सबसे पहले रिपोर्ट तो बेटा किस पे एडिक्वेसी एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ आई सी ओवर एफ आर एडिकुएसी एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ आई सी ओवर एफ आर ओके बोल दो फिर एल एफ ए आर एल एफ ए आर क्या होती है लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट होती है इसकी हमें सिर्फ टाइमिंग पढ़नी है कब तक इशू करनी होती है मैं बता दूंगा आपको देन रिपोर्ट ऑन कम्पलाइंस विद एस एल आर पहले बताओ सारी याद कर ली थी हमने क्लास में हाँ जी सबसे पहले तो आई सी एफ आर था आई एफ आईएफसी एफआर था या आई बोल लो या उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या आया था आ, उसके बाद नेक्स्ट आया था हमारे पास एल फिर था कंप्लाइंस विद एस एल के बाद ट्रेजरी फिर आई देन सीरियस इरेगुलरिटी फिर कमेटी रिकमेंडेशन घोष कमेटी जिलानी कमेटी घोष ने फ्रॉड को लेकर दिए थे रिकमेंडेशन कि भाई फ्रॉड से कैसे बचा जाए जिलानी साहब ने इंटरनल कंट्रोल को लेकर दिए थे रिकमेंडेशन एंड रिपोर्ट ऑन एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इन रूरल एरियाज़ कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई साहब डिपॉजिट बहुत कम है क्रेडिट बहुत ज़्यादा दे रखा है रूरल एरियाज में इस तरह की रिपोर्टिंग भी जो है वो जाती है आओ दोबारा देखते हैं एक बार एफ सी एफ आर कमॉन गाइज सब याद सब याद करके कर रखना मुझे बताते रहना पहला क्या था आई एफ एस आई एफ या आई जो भी बोलना चाहते हो उसके बाद था एल उसके बाद क्या था हमारे पास आपका नेक्स्ट uh, हमारे पास क्या आते थे एस रिक्वायरमेंट ट्रेजरी ऑपरेशन देन हमारे पास क्या आती थी इनकम रिकग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग कंप्लाइंस सिर्फ कीवर्ड्स याद रख लो सब पे रिपोर्ट देनी है कि भाई कंप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है देन हमारे पास क्या आता था नेक्स्ट हमारे पास सीरियस uh, इरेगुलरिटी वाला फिर हमारे पास था घोषण जिलानी कमेटी वाला एंड फाइनली एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, दैट्स इट, आइए देन नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारे पास क्या आया नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कि भाई अकाउंट्स के बारे में अकाउंट्स बहुत सिंपल है देखिए सबसे पहले तो भूमिका बनाई कि भाई टेक्नोलॉजी की वजह से जो है ज़बरदस्त चेंज आ चुका है बैंक जो है अपने कस्टमर्स को रीच कर पा रहे हैं कन्वीनियंस दे पा रहे हैं कंफर्ट दे पा रहे हैं याद है ना सी चेंज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स इवोल्यूशन याद आ रही है बातें अच्छा जी कन्वीनियंस दे पा रहे हैं कंफर्ट दे पा रहे हैं एनी टाइम एनी बैंकिंग की फैसिलिटीज दे पा रहे हैं बस इतना याद रखिए उसके बाद ट्रांजेक्शन कैसी हो गई है वॉलमनियस हो चुकी हैं सिस्टम चाहिए इनकी रिकॉर्डिंग और स्टोरेज के लिए कंट्रोल सिस्टम चाहिए यह इंश्योर करने के लिए कि रिस्क जो एरर ओमिशन इरेगुलटरी फ्रॉड के रिस्क हैं वो कम हो जाए मिनिमाइज हो जाए जीरो हो जाए लीजिए ये भूमिका बन रही है उसके बाद बच्चों क्या बोला गया कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट में ऑडिटर से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि ऑडिटर को आरबीआई गाइडलाइंस पता है और ऑडिटर चेक करेगा कि सिस्टम जो है आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से काम करता है या नहीं हाँ जी कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट में ऑडिटर से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि आर की गाइडलाइन ऑडिटर को पता है और ऑडिटर ये चेक करता है कि सिस्टम आर की गाइडलाइन के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं दूसरी बात क्या बच्चों ऑडिटर इस एजम्पन के साथ जा सकता है कि भाई जो सिस्टम निकाल रहा है इन्फॉर्मेशन वो करेक्ट है आंसर इज नो वो कभी भी इस एजम्पन के साथ नहीं जाएगा तीसरी बात ही शुड एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड प्रूडेंस जब भी उसे लगता है कुछ चीज कुछ चीज़ जो है मैनुअली चेक होनी चाहिए तो उसे वो मैनुअली खुद से जगह आगे जाके चेक करनी चाहिए एक और जबरदस्ती का टॉपिक बच्चों कैटेगराइजेशन ऑफ बैंक ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटराइजेशन कितने तरह के नंबर वन नॉन कंप्यूटराइज बैंक पार्शली कंप्यूटराइज बैंक फुली कंप्यूटाइज बैंक नॉन कंप्यूटराइज बैंक सारा काम पेन पेपर से हो रहा है पार्शली कंप्यूटराइज बैंक कुछ ट्रांजेक्शन कंप्यूटराइज हैं बाकी कुछ ट्रांजेक्शन जो है नॉन कंप्यूटराइज है मेनली कंप्यूटराइज फुली कंप्यूटराइज ब्रांचेज बच्चों वहाँ पे क्या आ चुका है कोर बैंकिंग सिस्टम आ चुका है क्या चुका है? आ चुका है कोर बैंकिंग सिस्टम आ चुका है यानी कि ऐसा सिस्टम जहाँ पे सारी ब्रांच जो है आपस में कनेक्टेड है और एक ब्रांच में अगर आपका अकाउंट है तो आप किसी भी ब्रांच से जाके अपने अकाउंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ये ब्रांचेज होती हैं फुली कंप्यूटराइज ब्रांचेज डन बोलिए

अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की भी जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है वो भी फॉलो करनी है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स के बारे में क्या बोला गया सेक्शन नंबर थर्टी है जो डील करता है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स के साथ क्या बोला गया उसके अंदर कि भाई आपकी आग, आपका ऑडिटर वही बनेगा जो क्वालिफाइड है टू बिकम ऑडिटर ऑफ अ कंपनी राइट तो याद रखिए बच्चों बैंकिंग कंपनी का ऑडिटर वही बन सकता है जो क्वालिफाइड है टू बिकम ऑडिटर ऑफ अ कंपनी और वो क्वालिफिकेशन सेक्शन 141 में दी गई है हमें नहीं पढ़ाई गई है ओके अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम करेक्ट एंड करेक्ट एमसीक्यूज एटसेट्रा बैंकिंग कंपनी के बच्चों कौन ऑडिटर अपॉइंट करता है एजीएम पर ऑडिटर अपॉइंट होगा नेशनालाइज बैंक में कौन करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर याद रखें बच्चों दोनों ही केस में किसके अप्रूवल चाहिए आपको रिजर्व बैंक के अप्रूवल चाहिए स्टेट बैंक में कौन अपॉइंट करता है सी करता है इन कंसल्टेशन विद सी और स्टेट बैंक की सब्सिडीज का कौन करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है आर आर का ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है बच्चों बैंक खुद से कर लेता है अप्रूवल ऑफ सी के साथ रेमोरेशन ऑफ ऑर्डर कैसे होती है एज पर सेक्शन 142 जो है वो तय होती है अगर बैंकिंग कंपनी के ऑर्डर की बात करूं और अगर मैं बात करता हूं किसी नेशनलाइज बैंक या एस या आर आ, तो इनके ऑर्डर की रेमोरेशन कौन तय करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करता है इन कंसल्टेशन विद देंट्रल गवर्नमेंट डन देखिये चौदह मिनट लगे बच्चों रिविजन में बट आपको अल्टीमेटली ना यह चैप्टर ऐसे ही कवर करना है और कोई तरीका अगर होता तो बेटा मैं निकाल कर लाता वो तरीका राइट बट इस चैप्टर में से आपको चार से आठ नंबर के क्वेश्चन आएंगे सीधा सीधा बच्चों आपको इसी रिवीजन वीडियो को एक एक दो दो बार सुनिए और उसके बाद आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी उस एग्जाम में लिख के आइए ओके डन चलो जी आ जाओ चलिए जी तो आज बच्चों हम लोग रिवीजन करना शुरू करते हैं बैंक ऑडिट की सेकंड पार्ट की सबसे पहले पावर ऑफ ऑडिटर क्या है बैंक ऑडिट में सेम एज ऑफ कंपनी ऑडिटर ओके फिर बात करते हैं ऑडिट रिपोर्ट की नेशनलाइज बैंक के केस में हम बात कर रहे हैं सीजी को रिपोर्ट जाती है और याद रखिए एस की रिपोर्ट भी इसी की तरह होती है और वो भी सी को जाती है अब इसके अंदर होता क्या है मैंने आपको क्लास में याद करा दिया था बैलेंस शीट ट्रांजेक्शन रिटर्न प्रॉफिट एंड लॉस एनी अदर मैटर कमॉन बैलेंस शीट ट्रांजेक्शन रिटर्न प्रॉफिट एंड लॉस Any other sheet में और एडिकुएट है या नहीं है, में है या नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज ट्रू बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर दीरियड कवर्ड ट्रू बैलेंस यहाँ पेड है लीजिए ट्रू बैलेंस अच्छा जी एनी अदर मैटर एनी अदर मैटर में हम लोग क्या बोलेंगे कोई भी ऐसा मैटर जो उसको लगता है कि भाई नोटिस ऑफ सीजी में जाना चाहिए तो वो भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन कर देता है और जैसे मैंने बताया था रिपोर्ट ऑफ एसबीआई बी सीजी को जाती है आइडेंटिकल होती है रिपोर्ट ऑफ बैंक से चलिए जी अब बात करते हैं फॉर्मेट की बच्चों इसमें सिर्फ यही बताया गया कि भाई ऑडिटर और ऑडिटर रिपोर्ट को कंप्लाई करना है किसके साथ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के साथ और साथ में एक बात और लिखनी है ऑडिट रिपोर्ट में स्पेसिफिकली नंबर ऑफ अनऑडिटेड ब्रांचेस मस्ट बी देयर एंड प्रॉपर क्वांटिफिकेशन होनी चाहिए कि उन अनऑडिटेड ब्रांचेस ने एडवांसेस कितने कितने दिए हैं हैं डिपॉजिट्स लिए इंटरेस्ट इनकम क्या है और इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या है फिर से बोल दूं ध्यान से सुनिए मेरी बात को ऑडिट audit और ऑडिटर रिपोर्ट को कंप्लाई करना है ऐसे से, साथ में रिपोर्ट में हमने यह भी बताना है कि कितनी ब्रांचेस हैं जो अनऑडिटेड रही हैं और उसके साथ हमने बताने अडवांज डिपॉजिट इंटरेस्ट इनकम एंड इंटरेस्ट एक्सपेंसिस ऑफ दोज ब्रांचेस लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट बच्चों इट्स अ स्पेशल रिपोर्ट इन केस ऑफ बैंक और हर तरह के बैंक के केस में जो है ऑडिटर के टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट के हिसाब से ऑडिटर को जो है वो क्या देना होती है एल एफ ए आर देनी होती है राइट right. कब तक फर्निश करनी होती है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्रॉड फॉर योर एग्जाम एमसीक्यू करेक्ट एंड करेक्ट थर्टी जून ऑफ एवरी ईयर को बच्चों फर्निश करनी होती है टाइमली फर्निश करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी है और इसमें क्या है वो मैटर्स हैं जो आर बी आई चाहता है कि ऑडिटर रिपोर्ट करे इन केस ऑफ बैंक्स फिनिश आइए दोबारा रिपीट कर दूं के, के केस में बच्चों याद रखिएगा एल एफ एक स्पेशल रिपोर्ट होती है सारे बैंक्स के केस के के में ऑडिटर के टर्म्स ऑफ उप अपॉइंटमेंट के अंडर आती है यानी ऑडिटर को सारे बैंक्स के केस के के में अपनी ऑडिट रिपोर्ट के साथ एल एफ लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट भी देनी होती है लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट राइट एंड कब तक फर्निश करनी है तीस छह तक प्रॉपर प्लानिंग फॉर टाइमली सबमिशन अगर कोई वीडियो यूट्यूब पर देख रहा है बाई चांस और वो बैंक ऑडिट प्रैक्टिकली कर रहा है तो वो हंस रहा होगा कि ये क्या पढ़ा दिया बेटा हमारे सिलेबस में इतना ही है

ऐसी एक्ट्स दिख रही हो जो इन एक्सेस ऑफ पावर है जहां पे ऐसी एक्ट्स दिख रही हो जो इन एक्सेस ऑफ पावर है तो ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी को को बैंक uh, ऑडिटर को रिपोर्ट करना चाहिए रेगुलेटर को और अगर इसमें डेलिबरेट फेलियर रहा यानी वो डेबरेटली रिपोर्ट नहीं कर रहा है देख के भी रिपोर्ट नहीं कर रहा है ऑडिटर विल बी लाइबल फॉर द एक्शन एस ए टू फिफ्टी कंसिडर करना है इट स्टेट्स दैट कॉन्फिडेंशियलिटी कैन बी ओवर रिडन बाई लॉ और बाय अच्छा एस ए टू फोर्टी कंसिडर करना है दो बातें बोलूंगा एस ए टू फोर्टी में बच्चों सबसे पहले तो बताया गया कि भाई ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या ऑडिट

पॉलिसीज एंड कंट्रोल्स बोले तो इंटरनल कंट्रोल याद रखिए ऑडिटर पूरे सिस्टम को ओवरऑल इवैल्यूएट करता है इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन की वो डिटेल में नहीं जाता है मतलब वो सारी ट्रांजैक्शंस को चेक डिटेल में जाके नहीं करता है उसे अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ ड्यूटी में कुछ इरेगुलरिटी या फ्रॉड मिल जाएगा तो वो डेफिनेटली रिपोर्ट करेगा आरबीआई को और मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंसर्नड बैंक को डन बोलिए आगे का बच्चों हमारा चैप्टर कैसे चलने वाला है दो टॉपिक है एक है बैंक ऑडिट अप्रोच और एक है बच्चों कंडक्टिंग दी बैंक ऑडिट मेरे हिसाब से बच्चों टॉपिक की फॉर्मेशन में बहुत दिक्कत है यहाँ पे ये मर गया और यहां पे ये जिंदा हो गया यानी गड़े मुर्दे उखाड़ना राइट right? तो बैंक ऑडिट अप्रोच में हमें तीन टॉपिक दिए गए हैं इसमें हमें अट्ठारह सब टॉपिक दिए गए हैं हम लोग करेंगे सब कुछ कवर डोंट वरी एट ऑल और इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपने बच्चों मेरे साथ पहले पूरा ऑडिट पढ़ा हुआ है पहले पूरा ऑडिट पढ़ा हुआ का मतलब क्या है आपको तीन पता है दो पता है आपको रिस्क पता है आपको रिस्पॉन्स पता है आपको प्लानिंग पता है तो बेटा आपको सी करने में यानी कंडक्टिंग एंड बैंक ऑडिट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है हाँ कुछ नए टॉपिक आ सकते हैं जैसे कि स्ट्रेस टेस्टिंग और जैसे कि बेसल थ्री फ्रेमवर्क वो हम लोग स्पेसिफिकली जो है वो कवर कर लेंगे बिल्कुल मत घबराइए अभी के लिए चलते हैं किसके ऊपर बेटा अभी के लिए चलते हैं हम लोग किस पे बैंक ऑडिट अप्रोच में इसमें तीन टॉपिक्स आते हैं ये आपकी ज्ञानवर्धक बातें यहाँ पर लिखी हुई है मैं रिविजन वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अभी के लिए चलते हैं ज़रा अच्छा बीच में एक छोटा सा टॉपिक और उठा झटके से बिल्कुल ड्यू टू टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉडर कंपनी दो हज़ार तेरह तो जैसे भाई साहब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वन फोर्टी थ्री ट्वेल्व में वैसे ही यहाँ पे है वो मैं यहाँ पे बोल नहीं रहा हूं हमने चैप्टर नंबर एट में बच्चों इसको बहुत अच्छे से कवर किया जो ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर है तो उसी की रिविजन वीडियो से आप इसको कवर कर सकते हैं यहाँ पे इसको आपको एक बार रीडिंग करने का मन करे तो बुक से रीड कर लीजिएगा देन बात करते हैं बच्चों बैंक ऑडिट अप्रोच की इसमें तीन बातें आती हैं ड्रॉइंग एंड ऑडिट प्लान तो ड्रॉइंग एंड ऑडिट प्लान किस बेसिस पे ड्रॉ करोगे कोई भी एंटिटी हो उसका ऑडिट प्लान बेटा आप उस एंटिटी के ऑपरेशन और नेचर ऑपरेशन के लेवल और नेचर को देख के क्रिएट करोगे नेचर मतलब भाई मैन्युफैक्चरिंग सर्विस है लेवल मतलब करोड़ों में टर्नओवर है हजारों में टर्नओवर है हजारों करोड़ों में टर्नओवर है राइट तो नेचर एंड लेवल ऑफ ऑपरेशन नेचर ऑफ एडवर्स फीचर किस किस तरह की जो है इसके अंदर रिस्क हो सकते हैं लेवल ऑफ कम्प्लाइंस एंड कंट्रोल रिस्क क्या क्या हो सकते हैं लेवल ऑफ कम्पलाइंस मतलब लॉ रेगुलेशन कौन कौन से एप्लीकेबल हैं तो याद रखें बच्चों ऑडिट प्लान बनाना है ऑडिट प्लान बनाने के लिए आपको क्या करना है आपको सबसे पहले बच्चों क्या पकड़ना पड़ेगा ऑपरेशन नेचर एंड लेवल फिर क्या पकड़ना पड़ेगा एडवर्स फीचर फिर क्या पकड़ना पड़ेगा कंप्लायंस लेवल यानी कि कितने इनके पास लॉ एप्लीकेबल है एंड फाइनली आपका रिस्क ऑफ मटीरियल मिस्टेटमेंट आ जाओ Then बात करते हैं बच्चों कंट्रोल इन्वायमेंटेड बैंक की कंट्रोल इनमेंटेड बैंक की आपको चेक करना है वेदर बैंक हैव एप्रोप्रिएट कंट्रोल्स और नॉट आपको चेक करना है वेदर बैंक हैव एप्रोप्रिएट कंट्रोल और नॉट अब जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों प्लीज फॉलो कीजिएगा मेरी बात को आप इनको देख के घबरा तो नहीं रहे हो अगर आप घबरा रहे हो इसका मतलब आप ऑडिट को समझते नहीं हो रटते हो पहली बात बच्चों नीचे जितनी भी चीजें दे रखी है क्या है कंट्रोल एक्टिविटी है कोई भी पांच बोल सकता हूं मैं तो भाई बिना देखे और सपने में भी बोल सकता हूं कंट्रोल एक्टिविटी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन सेटिंग अप ऑफ लिमिट रिकंसिलेशन बताओ चार तो ऐसे ही बोल दी मतलब बात ही बात में बोल दी बेटा दोबारा बोलता हूं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी ऑथोराइजेशन ऑफ ट्रांजक्शन रिकंसिलेशन सेटिंग अप ऑफ लिमिट कम ऑन गाइज क्या आप लोग बोल पाए मेरे साथ ये चार जल्दी बोल दो हाँ के ना उसके बाद हमारे पास क्या क्या आ सकता है उसके बाद बच्चों जो ग्रीन से मार्क करी वो नई वाली है एक्यूरेट मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ एक्स एक्सेप्शन एक्यूरेट मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ एक्सेप्शन एंड फिजिकल सिक्योरिटी बिना समझे बच्चों आप लोग अगर इसको पढ़ रहे हो आपको रटनी पड़ेगी लेकिन अगर आपने इंटरनल कंट्रोल में एलिमेंट्स पढ़े हुए हैं कंट्रोल एक्टिविटी वाले कनेक्ट करवा के दे रहा हूं आप लोगों को तो वही तो हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी रिकंसिलेशन ऑथोराइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन फिजिकल सिक्योरिटी सेटिंग अप ऑफ लिमिट्स बस पांच लिख के आ जाना बहुत है मेरी तरफ से कोई टेंशन की बात नहीं है अच्छा जी देन एंगेजमेंट टीम डिस्कशन स्टार टॉपिक बच्चों ये आज का इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं पहली बात एंगेजमेंट टीम डिस्कशन किसके बीच में होगा भाई साहब जो लोग एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और जो एंगेजमेंट एक्सपर्ट्स वगैरह हमने हायर कर रखे हैं उनके बीच में होगा अच्छा इस डिस्कशन से क्या होगा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी किसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी बैंक की उसके एनवायरमेंट की उसके इंटरनल कंट्रोल की और आप रोमम को भी अच्छे से कर पाएंगे ये क्या ये क्या हमारा डिस्कशन डॉक्यूमेंट होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए राइट right. ऑर्डिनरली कौन सी स्टेज पे सही रहता है बच्चों डिस्कशन प्लानिंग स्टेज पे सही रहता है डिस्कशन ईजी बोलिए जाओ अब क्या बढ़ाना आपको मैटर्स ऑन विच डिस्कशन मैटर्स ऑन विच डिस्कशन प्लेस बहुत ही आसान बच्चों बहुत ही आसान कितने मैटर्स हैं मेरे साथ मुझे बताइए पांच थे हमने एक बढ़ा के छह कर दिया डाउट आ गया था क्लास में तो उसको बढ़ा के मैंने छे कर दिए मुझसे स्किप हो गया था अपने नोट्स में आ जाओ एरर मैथड प्रोफेशनल लाइकली टू अकर एरर आइडेंटिफाइड फॉर द प्रीवियस ईयर ओके एरर एरर उसके बाद क्या था बच्चों मेथड्स ऑफ फ्रॉड किस किस तरीके से जो है बैंक में फ्रॉड हो सकते हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं एंड नीड टू मेंटेन प्रोफेशनल प्रोफेशन रिमेनिंग अलर्ट फॉर द कंडीशन दैट माइट इंडिकेट मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स राइट एंड किस तरह के रिस्क बच्चों एंगेजमेंट रिस्क परवेजिव रिस्क एंड आपका स्पेसिफिक रिस्क असेशन रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल रिलेटेड एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से रिलेटेड एंगेजमेंट रिलेटेड जो रिस्क हो गए वो हमने यहां पे कवर कर दिए डन बोलिए बोली यहां आ जाओ देन एडवांटेज बच्चों एडवांटेजेस क्या क्या हैं इसके तीन एडवांटेज हैं एंगेजमेंट डिस्कशन के जो आपने याद रखने हैं और वो एडवांटेज क्या क्या हैं स्पेसिफिक एम्फेसिस कैन बी प्रोवाइडेड ऑन रिस्क ऑफ मेडम स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड अच्छा डिस्कशन करोगे रोमम टू फ्रॉड पे स्पेसिफिक फोकस कर पाओगे उसके अप्रोप्रेट रिस्पॉन्स बना पाओगे मेरे साथ अच्छा डिस्कशन करोगे रोमम टू फ्रॉड पर कमान रोमम टू फ्रॉड पे आप लोग स्पेसिफिक एम्फोसिस दे पाओगे उसके अच्छे रिस्पॉन्स बना पाओगे डेलीगेशन ऑफ वर्क बच्चों डेलीगेशन ऑफ वर्क मेरे साथ साथ डेलीगेशन ऑफ वर्क अच्छे से कर पाओगे अप्रोप्रेटली एक्सपीरियंस एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को अपॉइंट कर पाओगे रिव्यू में भी आपको हेल्प मिलेगी रिव्यू किस बात को रिव्यू कर पाओगे द नीड टू इन्वॉल्व दी स्पेशलिस्ट के स्पेशलिस्ट की जरूरत है या नहीं है हाँ जी स्पेशलिस्ट की जरूरत है या नहीं है ओके okay. अच्छा जी आगे चैप्टर कैसे चलेगा अब बच्चों हम लोग करेंगे कंडक्टिंग बैंक ऑडिट वो हमारे लिए एक बड़ा टॉपिक होने वाला है उसको हम लोग क्विकली कवर करने की कोशिश करेंगे इंपॉर्टेंट चीजें निकाल लेंगे ज्यादातर चीजें बच्चों उसमें आपको रिपीट दिखने वाली हैं जो पुराने ऑडिट में हमने पढ़ी थी फिर आएगा बच्चों एडवांस एडवांस रिलेटेड बाकी टॉपिक्स आपके इनकम रिक्शन एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग के नॉर्म्स आएंगे फिर आएगा ऑडिट ऑफ इनकम और ऑडिट ऑफ एक्सपेंसिस फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म डन बोल दीजिए चलो जी चलो ऑल द बेस्ट ये हो गए हमारी रिविजन वीडियो फिनिश चलिए जी तो हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं अपने एक बहुत बड़े टॉपिक की कंडक्ट एंड ऑडिट हाउ टू कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ बैंक उसके अंदर बच्चों हम लोग जो है लगभग आठ से नौ टॉपिक बहुत डिटेल में कवर करेंगे क्योंकि वो है बहुत इंपॉर्टेंट बाकी सब जो है वो ऊपर ऊपर से हम लोग एक बार देख लेंगे सबसे पहले बच्चों क्या है इधर देखो सबसे पहले क्या है मेरे साथ रहना जरा मेरे साथ रहना बच्चों इनिशियल ऑडिट कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमने क्लास में बहुत अच्छे से कवर किया है नौ पॉइंट्स आते हैं एक बैंक ऑडिट में इनिशियल ऑडिट कंसिडरेशन क्या क्या होती है बहुत सिंपल सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस फिर इंटरनल असाइनमेंट्स तो नहीं कर रहा स्टैट ऑडिटर हम अगर वो इंटरनल असाइनमेंट कर रहा है है तो उसे ऑडिट जो है, वो नहीं देने वाले हैं दो तीसरा प्लानिंग प्लानिंग में बच्चों मैंने क्या लिख दिया पीईए e. पुरानी नॉलेज है आपके पास ऐसे तीन वाली दो सौ बीस दो उनकी इंटीग्रिटी 220 हमारी एथिकल रिक्वायरमेंट और कॉम्पिटेंस और 210 एग्रींग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट ये दोबारा आएगा फिर पॉइंट नंबर चार अलग से डाला हुआ है बच्चों क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर क्लॉज एट पार्ट वन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 बोलता है कि आपको ऑडिटर की पोजीशन एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए विदाउट कम्युनिकेटिंग विद द प्रीवियस ऑडिटर ये जो बच्चों कम्युनिकेशन करना है ये राइटिंग में होना चाहिए और कॉम्युनिकेशन में होगा क्या नो ऑब्जेक्शन टू द अपॉइंटमेंट फॉर वैलिड रीजन इज दैट क्लियर बोलिए बोलिए यानी जाने वाले को, को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है फॉर अपॉइंटमेंट फॉर योर अपॉइंटमेंट फॉर एनी वैलिड रीजन

एस से सौ एप्लीकेबल होता है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स में यहां पे आपको यह बोला गया है कि चेक कर लो ओपनिंग बैलेंस में कोई स्टेटमेंट तो नहीं है जिसका इफेक्ट करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी आता हो और अगर आता है तो वो एडिक्वेटली अकाउंटेड फॉर और डिस्क्लोज़ होना चाहिए अगर नहीं है तो हम मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे ओपनिंग बैलेंस में कोई मिसस्टेटमेंट तो नहीं है जिसका इंपैक्ट करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आता है और वो अप्रोप्रेटली डिस्कलोज नहीं है तो बेटा हम लोग क्वालिफाइड सॉरी मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे दैट्स इट अच्छा देन उसके बाद असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट रिस्क ये प्रायर टू एक्सेप्टेंस हम लोग करते हैं इसका इंपैक्ट जो है एक्सेप्टेंस डिसीजन और प्लानिंग पे आता है एंड देन एस्टैब्लिशिंग दी एंगेजमेंट एस्टैब्लिशिंग दी एक्सपीरियंस एंगेजमेंट टीम हम लोग क्या करेंगे एक एक्सपीरियंस टीम को स्टैब्लिश करेंगे एंड फाइनली वी विल अंडरस्टैंड द बैंक एंड इट्स एनवायरमेंट और यहां बच्चों मैं कुछ नहीं बोलूंगा यहाँ पूरा 315 का आप लोग जो है लिख के आ जाएंगे फिर भी बोले बिना मन नहीं मान रहा हैं आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मेडल स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द बैंक इट्स एनवायरमेंट इन इंटरनल कंट्रोल एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एट असेशन लेवल वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर बस इतना लिख के आ जाएंगे नौ पॉइंट्स क्विकली बच्चों कोई बात नहीं थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से रिवाइज करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा पांच नंबर का आ जाओ इनिशियल ऑडिट कंसडरेशन डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस इंटरनल असाइनमेंट प्लानिंग कम्युनिकेटिंग विद प्रीवियस ऑडिटर टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट इनिशियल एंगेजमेंट असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट रिस्क स्टेब्लिशमेंट द एंगेजमेंट टीम एंड अंडरस्टैंडिंग द बैंक एंड इट्स एनवायरमेंट डन बोलिए आ जाओ जी पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर आठ आठ नौ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे पहले हम वही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज करेंगे दूसरा अंडरस्टैंडिंग दी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों फोर मार्क्स का आपसे पूछेंगे पूछेंगे ये अगर बैंक ऑडिट में से कोई मिसलेनियस क्वेश्चन आएगा तो उसके सबसे ज्यादा चांसेस है याद रखें ये बच्चों है कुछ नहीं ये इंटरनल कंट्रोल के एलिमेंट जो है वो आईडी बदल के आए हैं एंजल प्रिया बन के आए हैं हम लोग इनको याद कर लेंगे क्या यस इंटरनल कंट्रोल के एलिमेंट्स को बच्चों आप याद रखें सबसे पहले क्या था ओवरसाइट इन्वॉल्वमेंट ऑफ आईसी इन टीसीडब्ल्यूजी मतलब बात हो रही है कंट्रोल इन्वायरमेंट के बारे में ओके okay. हमने क्या देखना है हमने देखना है जी बात ऐसी है कि रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज टीसी डब्ल्यू जी से अप्रूव होनी चाहिए और साथ साथ में और साथ साथ में पॉलिसीज जो है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए पॉलिसीज जो है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए बैंक के ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी कैपिटल स्ट्रेंथ और लॉ रेगुलेशन के साथ दूसरा बच्चों अगर मैं आईसी की बात करूं तो यहां पर बात हो रही है रिस्क असेसमेंट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की आई रिस्क करो आई रिस्क है आइडेंटिफिकेशन मेजर और मॉनिटर याद रखें बच्चों कौन सा रिस्क हमने आईएम करना है जो बैंक की एबिलिटी टू अचीव दी गोल पे इंपैक्ट डाल सकता है उसको हमें मेजर करना है आइडेंटिफाई करना है कंट्रोल एक्टिविटी मैंने स्माइली क्यों बना दी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन रिकनसिलेशन फिजिकल सिक्योरिटी हम लोग आराम से जो है ये चार पांच आइटम्स लिख के आ सकते हैं बोलिए हाँ क्या कम ऑन बोल दो सेटिंग अप ऑफ लिमिट्स एटसेट्रा एटसेट्रा देन मॉनिटरिंग एक्टिविटी तो हमें रिस्क मैनेजमेंट मॉडल को अजमशन को रेगुलरली मॉनिटर और अपडेट करना है यह काम करेगा बैंक का एक इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट यूनिट अच्छा जी रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें रिलायबल इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए जो टाइमली और कंसिस्टेंट फाइनेंशियल ऑपरेशनल कंप्लाइंस इन्फॉर्मेशन देता रहे जो रिस्क असेसमेंट में और बैंक की प्रोफाइल में अगर कोई चेंज हो रहा है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता रहे मैं फिर से बोलता हूँ हमें एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए जो टाइमली और कंसिस्टेंट इफॉर्मेशन दे फाइनेंशियल ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल कंप्लाइंस रिलेटेड इफॉर्मेशन दे जिससे हम लोग अच्छे से रिस्क असेस कर पाए और साथ साथ में अगर बैंक की प्रोफाइल में कुछ चेंज हो पा रहा है चेंज हो रहा है तो हम उसको भी देख लें देन बच्चों ये पॉइंट अब एंगेजमेंट टीम डिस्कशन में यहां पर नहीं कर रहा हूं लास्ट वीडियो में हमने रिवाइज कर लिया था ये पॉइंट बच्चों हमें कवर करने की जरूरत नहीं है एस से तीन सो स्टेलिशिंग दी ओर ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या आपको पता है ऐसे तीन सौ में ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी में आप चार लाइन लिख के आ सकते हैं बहुत अच्छे से हमने वहां पर पढ़ा हुआ है डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान बहुत अच्छे से हमने

एंगेजमेंट रिस्क परवेजिव रिस्क एंड स्पेसिफिक रिस्क डन फिर से बोल देता हूं ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम बच्चों क्या है एक समरी है समरी है किसकी ऑडिट प्लान की एनी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स इसके अंदर आते हैं सिग्निफिकेंट इश्यूज जो प्लानिंग और रिस्क असेसमेंट के टाइम पे आइडेंटिफाई हुए वो आते हैं डिसीजंस जो डील करते हैं किससे रिलायंस ऑन कंट्रोल से वो आते हैं और साथ साथ में एविडेंस है कि ऑडिट प्रॉपरली प्लान था और रिस्क को प्रॉपरली आपने रिस्पॉन्ड किया था जाइए डेट मटी नॉट सो इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग गोइंग कंसर्न नॉट सो इंपॉर्टेंट मैं ये नहीं बोला कि गोइंग कंसर्न इंपॉर्टेंट नहीं है पांच सौ सत्तर में पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होगा वहीं से उठा के दो लाइने यहां पर लिख देंगे मट्यूनिटी की दो तीन लाइने लिख सकते हो यस सर गोइंग कंसर्न बच्चों जब पढ़ लोगे दो तीन लाइने आप लिख पाओगे इंपॉर्टेंट टॉपिक सेसिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग घबराना नहीं है देख के सिंपल सी बात है एस से दो सौ चालीस जो है वो डील करता है कि ऑडिटर की रिस्पॉसिबिलिटी क्या है इन रिलेशन टू फ्रॉड और बच्चे एस ए दो सौ चालीस के बारे में आपको ट्रेन कर दी अच्छे तरीके से एस से दो सौ चालीस क्या बोलता है आइडेंटिफाइंग एन एसेसिंग द रिस्क ऑफ मेटल स्टेटमेंट डू टू फ्रॉड एंड एंड देन क्रिएटिंग द रिस्पॉन्सिस फॉर दोज रिस्क बोल दो हाँ कहना बोल दो तो बस वही आपने लिख के आ जाना है साथ में बच्चों एक बात और आपने एक्स्ट्रा लिख के आनी है कि एक तो प्रोफेशनल स्केप्टिसम एक्सरसाइज करना है थ्रू आउट दी ऑडिट और दूसरा आरबीआई टाइम टू टाइम गाइडलाइंस निकालता रहता है बैंक्स के लिए नो योर कस्टमर गाइडलाइन जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होती है और बैंक्स को ऑडिटर चेक करेगा कि बैंक वो प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है दैट्स इट बैंक बच्चों मनी लॉन्ड्रिंग के चांसेस होते हैं बैंक में मनी लॉन्ड्रिंग के चांसेज होते हैं तो ऑडिटर उस रिस्क को भी कंसिडर करते हुए चलेगा और देखेगा कि आरबीआई ने जो बातें बोली हैं मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर वो बातें फॉलो होती हैं या नहीं होती हैं बैंक के अंदर असेसिंग दी स्पेसिफिक रिस्क काम का नहीं है रिस्क एसोसिएटेड विद आउटसोर्सिंग ऑफ एक्टिविटी मैं आपको बच्चों एक बार बता देता हूँ क्विकली मैंने आपको क्या बताया था मॉडर्न डे में बहुत ज्यादा यूज होता है किसका आउटसोर्सिंग का राइट right. इससे कॉस्ट भी रिड्यूस होती है और एक्सपर्ट जो हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं हम उनके भी मजे ले लेते हैं लेकिन याद रखिए इस आउटसोर्सिंग से क्या नंबर ऑफ रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं आंसर इज यस रिस्क भी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसलिए बैंक के लिए एसेंशियल है कि उस रिस्क को भी प्रॉपरली क्या किया जाए मैनेज किया जाए फिर से बोल देता हूं बाई चांस अगर आपसे पूछ ले तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न डे बैंकिंग में आउटसोर्सिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है क्योंकि इससे कॉस्ट भी बचती है और एक्सपर्टीज जो हमारे पास नहीं होती है वो भी हमें मिलती है लेकिन इसकी वजह से रिस्क भी जो है वो बढ़ जाते हैं रिस्क बढ़ जाते हैं तो बैंक को बोला जाता है कि भैया बैंक आपने जो इस रिस्क को भी प्रॉपरली मैनेज करना है ऑडिटर का क्या रोल रहेगा आईसीआई ने बताया नहीं है बट मैं आपको बता दूं कि ऑडिटर इन रिस्क को भी कंसिडर करके चलेगा रिस्पॉन्स टू रिस्क रिस्पॉन्स टू रिस्क बच्चों ये भी आपको आता है

देन स्ट्रेस टेस्टिंग की बात करते हैं अच्छा जो भी बच्चा मुझे टेलीग्राम करता है क्यूआर कोड भेजें और साथ में लिख के भेजें कि भाई ये इस वाले चीज के पैसे थे नहीं तो मैं सोचते रहता हूं किस बात के लिए भेज दिया आ जाओ स्ट्रेस टेस्टिंग क्या बच्चों हम आईसीए में लिखी हुई बात से अग्री करते हैं नहीं अग्री करते हैं प्रोटेस्ट में पढ़ रहे हैं मैं आपको सही बात भी पढ़ा दूंगा आईसीए की बात भी पढ़ा देता हूं जरा सुनिए स्ट्रेस टेस्टिंग बच्चों आईसीए की बुक के अॉर्डिंगली किया है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक्टिविटी है हम रोबस्टनेस ऑफ दी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं बाय टेस्टिंग बियॉन्ड द लिमिट ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन हम रोबस्टनेस को चेक करते हैं बाय टेस्टिंग बियॉन्ड दि लिमिट्स ऑफ दी नॉर्मल ऑपरेशन राइट अच्छा जी ये मिशन क्रिटिकल सॉफ्टवेयर के लिए होता है बाकी कोई सॉफ्टवेयर में भी आप इसको यूज कर सकते हैं चार बातें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक्टिविटी है रोबस्टनेस ऑफ द सॉफ्टवेयर यूज होता है हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन मिशन क्रिटिकल सॉफ्टवेयर के लिए यूज होता है ये आईसीआई ने लिखा है बच्चों सोर्स भी दिया है आईसीआई ने विकीपीडिया राइट right? इसमें एक बात मुझे सही लगी वो ये कि भाई आरबीआई का कहना है कि हर बैंक के बोर्ड पे क्या होना चाहिए स्ट्रेस टेस्टिंग आ, हर बैंक का बोर्ड जो है वो क्या बनाएगा स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क बनाएगा और वो बैंक के रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का पार्ट होगा हर बैंक का बोर्ड स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क बनाएगा और वो बैंक के रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट होगा इस बात से मैं अग्री करता हूं मेरे हिसाब से बच्चों स्ट्रेस टेस्टिंग क्या है ये लीजिए मेरे हिसाब से स्ट्रेस टेस्टिंग एक क्रिटिकल चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट के लिए राइट right. इसमें हम लोग क्या करते हैं हम इवेलुएट करते हैं हाउ अ बैंक कैन हैंडल एक्सट्रीम फाइनेंशियल सिचुएशन ये मुझे लगता है ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है मैंने आपको क्लास में बताया कि एग्जाम में आपने क्या करके आना है अभी के लिए स्ट्रेस टेस्टिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंक इज अ इंपॉर्टेंट टूल फॉर रिस्क मैनेजमेंट एंड इन दिस वी इवेलुएट दैट हाउ बैंक विल हैंडल दी एक्सट्रीम फाइनेंशियल फाइनेंशियल सिचुएशन इसमें सिमुलेट करते हैं एडवर्स इकोनॉमिक सैनैरियज को टू एक्सेस टू एसेस दी वॉट रिजिलियंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट दी पोटेंशियल शॉक्स

प्रॉब्लम अकाउंट्स डिटेल में देख लो अनलेस द अमाउंट इज इनसिग्निफिकेंट एक्सटेंट ऑफ सैंपल इंटरनल कंट्रोल की एफिकेसी पे डिपेंड करता है याद रहेंगे याद रहेगा जल्दी बोलो अच्छा लार्ज एडवांस हम लोग कैसे निकालते हैं बच्चों दैट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन ऑफ द ब्रांच वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन ऑफ द ब्रांच एक्साम्पल टू करोड़ और फाइव परसेंट ऑफ दी एग्रीगेट एग्रीगेट ईयर एंड एडवांस विच एवर इज लेस दैट्स इट कर लोगे क्लास में पूरा समझा रखा था बोल दो हा क्या आ जाओ जी प्लीज 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 इधर देखिए जरा इधर देखिए इसके बाद बच्चों बेसल थ्री फ्रेमवर्क बेसल थ्री फ्रेमवर्क मैंने आपको यहां पे लिखवाया बेसल थ्री फ्रेमवर्क किसने बनाया था डेवलप्ड बाय बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन बीसीबीएस डेवलप्ड बाय बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन दैट इज बीसीबीएस ये कब फॉर्मलेट किया गया था इन रिस्पॉन्स टू ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ टू थाउजेंड ये इंपैक्ट करता है किसके ऊपर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के ऊपर मेरे साथ किसके ऊपर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के ऊपर क्या करता है बेसिकली ये इट रिक्वायर मोर स्ट्रेंजेंट कैपिटल रिक्वायरमेंट्स रिक्वायरमेंट जी या फिर इस इस रिक्वायर वर्ड को चेंज करके बोलता हूं इट एडवोकेट्स इट एडवोकेट्स फॉर मोर स्ट्रेंजेंट कैपिटल रिक्वायरमेंट एम क्या है बैंक का रिजिलियंस सुधारना यानी कि बैंक की एबिलिटी टू बाउंस बैक सुधारना बाय इंक्रीजिंग देयर एबिलिटी टू एब्सोर्व शॉक अराइजिंग फ्रॉम क्राइसिस एनहेंस रिड्यूसिंग द रिस्क एनहेंस रिड्यूसिंग द रिस्क

डन बोलिए आ जाइए ये हमारे बच्चों टॉपिक कवर हो गया इसके बाद एक पॉइंट हमारा जो हमारी बुक से होना चाहिए था वो कौन सा है वो है हमारा वो है हमारा रिलायंस ऑन रिव्यू ऑफ अदर रिपोर्ट्स तो यहां पे बच्चों बात तो बहुत सिंपल सी है ऑडिटर को अगर कोई भी एडवर्स कमेंट दिखता है ऑन द इन अदर रिपोर्ट तो वो कंसिडर करना चाहिए ड्यूरिंग दी ऑडिट अब वो अदर रिपोर्ट कौन कौन सी मेरे साथ अब वो अदर रिपोर्ट कौन कौन सी बच्चों अभी देखता हूं सुहास में अदर रिपोर्ट कौन कौन सी बेटा प्रीवियस ईयर की रिपोर्ट कम ऑन प्रीवियस ईयर की रिपोर्ट इंटरनल इंस्पेक्शन की रिपोर्ट आरबीआई की इंस्पेक्शन की रिपोर्ट कॉन्करेंट ऑडिट की रिपोर्ट या फिर या फिर वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी की रिपोर्ट एनी अदर रिपोर्ट और मैनेजर चार्ज हैंडिंग ओवर रिपोर्ट मैनेजिंग चार्ज हैंडिंग ओवर रिपोर्ट जब मैनेजर चेंज होता है तो यह रिपोर्ट दी जाती है अब मेरी बात को ध्यान सुनेगा अब अब रिपोर्ट शुड बी रिव्यूड इन डिटेल और स्टेचुटरी सेंट्रल ऑडिटर का ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कौन होता है स्टैचुटरी सेंट्रल ऑडिटर का बच्चा एक काम और है कि उसे क्या रिव्यू करना चाहिए एनुअल फाइनेंशियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ आर और उसमें अगर कोई बात बोली थी आर ने तो चेक करेंगे कि भाई बैंक ने उसको प्रॉपरली कंसिडर किया है या नहीं तो स्टैचुटरी सेंट्रल ऑडिटर मस्ट कंसिडर द इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ आर इन डिटेल एंड इंश्योर दैट वेरिएशन इन प्रोविजन एक्सेट्रा जो आर ने रिपोर्ट किए थे उन्हें बैंक ने प्रॉपरली कंसिडर किया है या नहीं किया है अच्छा जी हमारा और कोई टॉपिक बच गया क्या ये हो गया ये हो गया रिस्पॉन्स टू दी एस रिस्क भी मैंने आपको यहाँ पर कवर करा दिया एसोसिएटेड रिस्क भी करा दिया इसको रहने दीजिए देन ये हमने कवर कर लिया है कंसिडर गोइंग कंसर्न अभी हमारे लिए टेंशन की जरूरत नहीं है मटिलिटी टेंशन की कोई बात नहीं है ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम अच्छे से कर लिया ऑडिट प्लान कर लिया ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी कर लिया इंगेजमेंट टीम डिस्कशन कर लिया हमारे पास बच गए बच्चों बैंक का अकाउंटिंग प्रोसेस तो भाई अकाउंटिंग प्रोसेस फाइनेंशियल और इन्फॉर्मेश फाइनेंशियल और ऑपरेशनल इफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है मैनेजमेंट के यूज़ के लिए एक बार बोल लो मेरे साथ बैंक का अकाउंटिंग सिस्टम फाइनेंशियल और ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है मैनेजमेंट के यूज़ के लिए और उसका इंपैक्ट इंटरनल कंट्रोल पर भी आता है इतनी बात बोलने के बाद बात खत्म क्या बोलोगे इसलिए इसलिए बच्चों इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है जरूरी हो जाती है टू आइडेंटिफाई आइडेंटिफाइन रिस्क ऑफ मेटल स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर एंड टू डिजाइन दी ऑडिट प्रोसीजर्स लीजिए कुछ नहीं छोड़ा भाई सब खत्म करा दिया मेहनत करके इंपॉर्टेंट भी मार्क करा दिया है अब आप लोगों के हवाले है कि आप लोग जो है वो कैसे परफॉर्म करते हैं बोलो हाँ कहना बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो वो भी कवर करा के जाऊंगा चिंता मत करो वो भी कवर करा के जाऊंगा बेटा डब्बा भी कवर कर उसे नेक्स्ट वाली वीडियो के लिए पेंडिंग रख लेते हैं ओके आ जाओ लो भाई लो तो आ जाओ फिर से रिवाइज करते हैं बैठ के अच्छे से सबसे पहले एडवांसेस क्या होते हैं वो पैसा जो बैंक ने दूसरी पार्टी को दिया है एज अ लोन विद एन एग्रीमेंट ऑफ रिपेमेंट सिंपल सी बात बैंक जो भी पैसा एज अ लोन देता है और विद एन एग्रीमेंट टू रीपेमेंट उसे हम एडवांस बोलते हैं बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक के एसेट साइड की सबसे बड़ा आइटम बच्चों यही होता है आपका एडवांस और सबसे मेजर सोर्स ऑफ इनकम भी आपका एडवांस ही होता है ऑडिटर को बोला जाता है आपका साउंड नॉलेज होनी चाहिए फंक्शनल एरियाज की प्रोसेस की रूल्स की और इंटरनल कंट्रोल की विद रिस्पेक्ट टू एडवांस इन शॉर्ट ऑडिटर को एडवांस रिलेटेड सारी चीजों की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए तभी वो उनका ऑडिट अच्छे से कर पाएगा खैर ऑडिट करने से पहले बच्चों आपको कुछ मिसलेनियस टॉपिक पढ़ाते हैं एडवांसेस एडवांसेस के बारे में जैसे कि कि टाइप ऑफ फंडेड फंडेड नॉन मैंने बच्चों आपको इसके क्वेश्चंस दिखा दिए कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएंगे कि बताओ जी फंडेड एडवांस क्या है और टाइप ऑफ फंडेड एडवांस के कुछ एग्जाम्पल दे दो ये ऐसे ही पूछ सकते हैं फंडेड और नॉन फंडेड बताओ फंडेड के एग्जाम्पल दे दो तो फंडेड जहां पे एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ फंड या कैश होता है नॉन फंडेड जहां पे नो ट्रांसफर ऑफ फंड कैश अच्छा जी इधर देखिए बच्चों के एग्जाम्पल आई होप याद है सबको टर्म लोन कैश लोन ओवरड्राफ्ट टर्म लोन कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट डिमांड लोन बिल डिस्काउंटेड पार्टिसिपेशन ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस और सिंपली स्पीकिंग इंटरेस्ट बियरिंग स्टाफ लोन घबराता तो घबरा इस वर्ड से इंटरेस्ट बियरिंग स्टाफ लोन स्टाफ को लोन दिया उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं डन नॉन फंडेड जहां पे कैश डिस्बर्समेंट नहीं हुआ है दो ही एग्जाम्पल हैं लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक गारंटी खत्म ओके आ जाइए जी देन इसके बाद बच्चों ये लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह वाले एक्जाम्पल्स जो हमने क्लास में कवर किए थे ये आपको अब रिवीजन में कवर करने की जरूरत नहीं है ये आपकी क्लास के लिए थे आई होप आपको लेटर ऑफ क्रेडिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कैसे एक एक्सपोर्टर जो है इसको यूज कर सकता है एक्सपोर्टर को अपना रिस्क कम करना होता है कि भाई मुझे पेमेंट ना मिले उस बात के रिस्क को कम करना चाहता है तो इसलिए वो इसको यूज कर लेता है नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांस सेक्टर वाइज ये थोड़ा सा मजाक था प्रायरि सेक्टर एग्रीकल्चर एमएसएमई एजुकेशन हाउसिंग दीज आर दी प्रायटी सेक्टर बैंक को आरबीआई की गाइडलाइन फॉलो करनी है इन सेक्टर के लिए और आरबीआई जो है वो टारगेट भी दे सकता है प्राइवेटी सेक्टर को लेके आरबीआई किन चीज़ों को लेके गाइडलाइन देता होगा इंटरेस्ट सर्विस चार्ज सैंक्शन रिजेक्शन जैसे हमने क्लास के दौरान डिस्कस किया कि बेटा हाउसिंग लोन एक प्राइविटी सेक्टर है रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर कैप्ड रहता है कि इससे ऊपर नहीं जा सकते हाउसिंग लोन को लेके बैंक आर गाइडलाइन देता है कि आप प्री पेनल्टी चार्जेस प्री पेमेंट चार्जेस जो है वो नहीं ले सकते प्री पेमेंट चार्जेस समझते हैं ना कि आप लोन को उसके समय से पहले पे करना चाहते हैं तो आ जाइए सिक्योरिटी वाइज सिक्योरिटी वाइज अच्छा सेक्टर वाइज बच्चों आपको लग रहा होगा कंप्लीट नहीं है बस बेटा इतना ही पढ़ाया है आईसीआई ने प्राइविटी सेक्टर ओके सिक्योरिटी वाइज याद रखिए प्राइमरी सिक्योरिटी कोलेटरल सिक्योरिटी प्राइमरी सिक्योरिटी क्या है जिसके अगेंस्ट आपको एक्चुअली में लोन मिल रहा है इसे प्रिंसिपल सिक्योरिटी भी बुलाया जाता है इतना ही कंटेंट है आईसीआई की बुक में जिसके अगेंस्ट आपको एक्चुअली में लोन मिल रहा है अगेंस्ट विच फाइनेंस लोन क्रेडिट प्राइमरी प्रिंसिपल सिक्योरिटी कोलेट्रल क्या है एडिशनल सिक्योरिटी है बोरोवर ने प्रोवाइड करी है ओवर एंड अबव प्राइमरी सिक्योरिटी एडिशनल सिक्योरिटी बोरोवर प्रोवाइड करता है ओवर एंड अबव प्राइमरी सिक्योरिटी एंड इसको हम लोग कब यूज करते हैं इसको लैंडर कब यूज करता है जब प्राइमरी सिक्योरिटी फेल हो जाती है या प्राइमरी सिक्योरिटी का अमाउंट जो है वो कम रह जाता है रिकवरी के टाइम पे आइए देन इसका बच्चों ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि कॉमन टाइप ऑफ सिक्योरिटी कौन सी होती है ये लाइंस मैंने डाल दी हैं एक्सप्लेन करने के लिए क्लास में सारे एग्जांपल्स हमने कर लिए थे अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ नाम याद रखना है और नाम भी हमने बड़े अच्छे से याद कर लिए थे पर्सनल गारंटी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ द गारंटर थर्ड पार्टी गारंटी फिर तो बेटा क्या था गोल्ड था कमॉन फिर क्या था आपके पास गोल्ड था गुड्स थे इमूवल प्रॉपर्टी थी प्लांटेशन थी गोल्ड था गुड्स थे इमल प्रॉपर्टी थी प्लांटेशन थी नीचे इंश्योरेंस पॉलिसी और शेयर्स एंड सिक्योरिटी और जो याद नहीं करना था बच्चों वो था हमारा बैंक की जर्नल लीन ओके आ जाओ जी देन इसके बाद मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी में बच्चों क्या क्या चीजें आती है हमारे पास ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें पहले तो है क्या क्या मॉडगेज है उसके बाद प्लेज है उसके बाद बच्चों हाइपोथिकेशन है देन असाइनमेंट है देन सेट ऑफ है देन लीन है राइट मॉडगेज है कमाल मेरे साथ साथ मॉडगेज है प्लेज है हाइपोथिकेशन है असाइनमेंट है सेट uh, ऑफ है और फिर हमारे पास लीन है मॉडगेज बहुत सिंपल रजिस्टर्ड मॉडगेज हो सकती है या इक्विटेबल मॉडगेज हो सकती है रजिस्टर्ड मॉडगेज कैसे हम लोग इफेक्ट करते हैं मॉडगेज डीड के थ्रू कमॉन कैसे मॉडगेज डीड के थ्रू एंड वी रजिस्टर द प्रॉपर्टी एज दी एज टू मॉडगेजी एज एज अ सिक्योरिटी वी रजिस्टर द प्रॉपर्टी टू द मॉडगेजी एज अ सिक्योरिटी इक्विटेबल में क्या होता है मॉडगेज टाइटल डीड डिपॉजिट करके ही बन जाती है बाय एक्शन जो है हम लोग क्या कर देते हैं मॉडगेज क्रिएट कर लेते हैं हम लोग क्या करते हैं डिलीवरी करते हैं टाइटल डीड की और ध्यान से डिलीवरी करते हैं टाइटल डीड की और हमारा इंटेंट होता है कि भाई इसके ऊपर सिक्योरिटी क्रिएट करवा के लोन ले लें फिर से बोलता हूँ मॉडगेज रजिस्टर हो सकती है या इक्विटेबल रजिस्टर्ड में बेटा मॉडगेज डीड बनती है और जो प्रॉपर्टी होती है वो असाइन हो जाती है वो मॉडगेजी uh, के नाम पे जो है वो मॉडगेजी uh, के नाम पे जो है वो रजिस्टर uh, हो जाती है इक्विटेबल में क्या करते हैं हम लोग सिर्फ टाइटल डीड डिपॉजिट करते हैं सिर्फ टाइटल डीड या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल डिपॉजिट करते हैं विद द इंटेंट ऑफ क्रिएटिंग दी सिक्योरिटी प्लेज प्लेज में बच्चों हम लोग क्या करते हैं फिजिकल पोजीशन ऑफ द गुड लेंडर के पास चली जाती है लीगल राइट्स हमारे पास ही रहते हैं लीगल ओनरशिप बोरोवर के पास ही रहते हैं फिजिकल पोजीशन जो है वो किसके पास चली जाती है लेंडर के पास चली जाती है विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग चार्ज ऑन देम एग्जाम्पल सारे करा दिए थे इंपॉर्टेंट बात यही है कि फिजिकल पोजीशन लेंडर के पास चली जाती है, है, चली जाती है उसमें स्पेसिफिक चार्ज होता है यानी जो गुड्स दिए हैं सिर्फ उन्हीं पर चार्ज है और किसी पर चार्ज नहीं है आइए देन हाइपोथिकेशन की बात करते हैं बच्चों बुक में चलते हैं पढ़ने के लिए हाइपोथिकेशन हाइपोथिकेशन कहा गए हमारा ये रहा हाइपोथिकेशन में हम लोग क्या करते हैं बच्चों एक इक्विटेबल चार्ज क्रिएट कर देते हैं इन फेवर ऑफ लैंडिंग बैंक बाय हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट वन टू अच्छा जी किस पे होता है बच्चों ये इन रिस्पेक्ट ऑफ द मूवेबल सिक्योरिटीज हां जी इन रिस्पेक्ट ऑफ दी मूवेबल सिक्योरिटीज इक्विटेबल चार्ज एग्जीक्यूशन ऑफ हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवेबल सिक्योरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो करेक्ट इनकरेक्ट में भी पूछा जा सकता है ना ही ओनरशिप ट्रांसफर होती है ना ही पोजीशन ट्रांसफर होती है फिर उसके बाद बच्चों ओनर जो है वो अपने पास गुड्स रखता है एज द एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द बैंक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि भाई सब पीरियोडिकली स्टेटमेंट सबमिट करते रहने पड़ती है हमें किस पे क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ द दाइपोटिकेटेड एसेट्स पे टू द लैंडिंग बैंकर ऑन द बेसिस ऑफ विच ड्रॉइंग पावर हमारी फिर क्या की जाती है फिक्स की जाती है दोबारा बोलता हूँ हाईपोटिकेशन एक इक्विटेबल चार्ज क्रिएट करता है हाईपोटिकेशन एग्रीमेंट के थ्रू ओके ना ओनरशिप ट्रांसफर होती है ना ही आपकी फिजिकल पोजिशन ट्रांसफर होती है ओके okay. फिर उसके बाद बच्चों याद रखना है कि जो है है वो गुड्स को अपने पास रखता एज दी एजेंट एज दी ट्रस्टी ऑफ दी बैंक दिरोली हमें रिटर्न सबमिट करनी होती है स्टेटमेंट सबमिट करनी होती है अपने हाइपोथिकेटेड एसेट्स की जिसके बेसिस पे हमारी ड्राइंग पावर जो है वो कंप्यूट की जाती है राइट एग्जाम्पल क्लास में हो गए थे ड्राइंग पावर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे असाइनमेंट की बात करता हूं बच्चों असाइनमेंट में हम लोग क्या करते हैं वी ट्रांसफर एन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेट हमें जो पैसा फ्यूचर में मिलने वाला है या अभी बिल्कुल मिलने वाला है हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं टू अनदर पर्सन सिर्फ क्या ट्रांसफर हो सकता है सिर्फ एक्शनेबल क्लेम्स जो है सिर्फ एक्शनेबल क्लेम्स जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं असाइन असाइनमेंट में यूज हो सकते हैं उसी के अगेंस्ट सिर्फ बैंक जो है आपको लोन देता है सच एज बुक डेट और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आर एक्सेप्टेड बाय बैंक एज अ सिक्योरिटी बाय वे ऑफ असाइनमेंट असाइनमेंट असाइनी को एब्सुल्यूट राइट right दे देती है पैसा रिकवर करने का सेट ऑफ में क्या है बच्चों सेट ऑफ एक स्टैचुटरी राइट right होता है किसका लेंडर का या बोल लीजिए क्रेडिटर का कि वो एडजस्ट कर सकता है डेटर के अकाउंट में जो डेबिट बैलेंस है उसको हां जी आ, डेटर के अकाउंट में जो डेबिट बैलेंस है उसको क्रेडिट बैलेंस उसी डेटर का किसी और अकाउंट में अगर चल रहा है तो उससे सेट ऑफ कर सकता है स्टैचुटरी राइट right है बैंक्स के केस में आप ऐसे बोलेंगे कि बैंक्स जो है एक ही व्यक्ति के दो अकाउंट को लोन अकाउंट और डिपॉजिट अकाउंट को कंबाइन कर सकता है बैंक्स जो है वो एक ही व्यक्ति के दो अकाउंट को लोन अकाउंट और डिपॉजिट अकाउंट को कंबाइन कर सकता है प्रोवाइडेड दैट वो नाम वो अकाउंट जो है सेम नेम पे चल रहे हों वो अकाउंट जो है सेम नेम पे चल रहे हों और सेम राइट right में चल रहे हों सेम नेम पे और सेम राइट right में जो है वो चल रहे हों अच्छा जी याद रखिए बच्चों सेट ऑफ के पर्पज के लिए सारी ब्रांचेस को एक एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट बैंक डिफरेंट डिफरेंट बैंक नहीं एक ही बैंक की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस को एक बैंक की तरह एक एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है और टाइम बार डेट पे भी सेट ऑफ के प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल हो सकते हैं यानी टाइम बार डेट को भी बैंक जो है वो एडजस्ट कर सकता है आपके सेविंग अकाउंट के साथ फिर बच्चों आखिरी आखिरी चीज हमारे पास क्या थी लीन और लीन क्या है लीन में लीगल चार्ज क्रिएट करते हैं विद कंसेंट ऑफ द ओनर विच लेंडर द लीगल राइट टू सीज डिस्पोज और लिक्विडेट द एसेट अंडर लीन लीन में एक लीगल चार्ज क्रिएट हो जाता है लीन बच्चों आप ऐसे समझें कि अगर मेरे पास एफ डीज पड़ी है एच बैंक की और मैं लोन लेना चाहता हूँ तो मैं बैंक पर बोलूंगा आप मेरी एफ डीज पे लीन क्रिएट कर लो वो वो मेरी एफ पे लीन क्रिएट करके मुझे लोन दे देंगे एंड इन केस मैं लोन रीपे नहीं कर पाऊंगा तो वो लीन को एक्सरसाइज करेंगे और एफ को जब्त कर लेंगे बेसिकली वो एफ को जो है वो सीज कर लेंगे डन चलिए जी इसके साथ साथ बच्चों क्वेश्चन 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 छोड़ के मत चले जाना मैं आपको एक बार क्विक ओवरव्यू दे दू रिविजन वीडियो के अंदर भी देखिए हमने सारे क्वेश्चन करे थे आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि प्लेज और सेट ऑफ एज अ मोड ऑफ क्रिएशन सिक्योरिटी कैसे यूज होता है समझा दो एक्जैक्टली exactly जो बुक में वर्डिंग लिखी है जो पढ़ाया गया वही आपने समझा के आना है ऐसे ही हाइपोथिकेशन और असाइनमेंट कैसे एज अ मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी यूज हो सकता है वो समझा दो ऐसे ही बच्चों अगर बड़ा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे तो दो की जगह पे वो तीन चार चीजें आपसे इसमें से पूछ लेंगे इसके अलावा हमने बच्चों आज जो क्लास में पढ़ा उसमें से और क्या क्वेश्चन आ सकता है ये देखिए कि भाई नेचर ऑफ सिक्योरिटी बताओ क्या क्या होती है और साथ में बता दो कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिक्योरिटी क्या होती है तो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ द गारंटर थर्ड पार्टी गारंटी उसके बाद आपका गोल्ड है गुड्स हैं इमोल प्रॉपर्टी है प्लांटेशन है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है इक्विटी शेयर हैं और साथ में आपके पास बैंक की जनरल लीन है राइट right? देन और क्या था आज की क्लास से क्वेश्चन आज की क्लास से बस इतने ही क्वेश्चंस थे बच्चों जो हमने करे और डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे अगर आप करेक्ट इन करेक्ट फॉल्स की तरफ जाएंगे तो आपको वहां पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आज की क्लास से जो है वो मिल जाएंगे और आपको वो भी एक बार देख लेने चाहिए क्योंकि भाई साहब वो भी आपके एग्जाम में इसमें से बहुत सारे तरह के क्वेश्चन जो हैं पूछ सकते हैं जैसे कि ये देखिए कोलेटरल सिक्योरिटी रेफर्स टू द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय दॉरोवर फॉर बैंक फाइनेंस और वन अगेंस्ट विच क्रेडिट हैज़ बीन एक्सटेंडेड नो बेटा नो कोलेट्रल सिक्योरिटी की डेफिनेशन तो ये होती नहीं है कोलेटल सिक्योरिटी क्या होती है ये डेफिनेशन अगर आप देखें तो ये किसकी थी प्राइमरी सिक्योरिटी की थी कोलेट्रल सिक्योरिटी तो ओवर एंड अबव प्राइमरी सिक्योरिटी दी जाती है एंड इट कैन बी यूज बाय द बैंक वैन दी प्राइमरी सिक्योरिटी फेल्स याद आ रही है बातें बोलिए देखिए करेक्ट इन करेक्ट और फॉर्मेट रजिस्टर्ड मॉटगेज इज इफेक्टेड मेयर डिलीवरी ऑफ टाइटल डीड्स क्या ऐसा पड़ा था हमने नहीं वो तो इक्विटेबल मॉडगेज थी जो सिर्फ और सिर्फ टाइटल डीड डिलीवर करके जो है वो क्रिएट हो जाती है तो ये भी इनकरेक्ट है आंसर आप लोग लिख पाएंगे आसानी से आई होप लिख लेंगे आ जाइए और कोई क्वेश्चन जो आज की क्लास से हो आपको वो दिखाने की कोशिश करता हूं लीजिए बस इतना बहुत है बाकी जब हम लोग सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे तो यहां पे उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे ये ये लो एक क्वेश्चन गया असाइनमेंट इज द क्रिएशन ऑफ एन इक्विटेबल चार्ज इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ द लेंडिंग बैंक बाय एग्जीक्यूशन ऑफ हाईपोद्युकेशन एग्रीमेंट क्या बात कर रहे हो बेटा असाइनमेंट ये थोड़ा ना होता है ये तो आपने हाईपोदेशन की डेफिनेशन डाल दी असाइनमेंट तो क्या होता है ट्रांसफर ऑफ राइट इन फ्यूचर और एग्जिस्टिंग डेट टू दी लेंडर टूर अनदर पर्सन ये देखिए असाइनमेंट मीस ट्रांसफर ऑफ एक्जिस्टिंग राइट ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अ पर्सन इन फेवर ऑफ वॉट अन पर्सन डन बोलिए तो इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों आ सकते हैं मैंने रिवीजन वीडियो में आपके क्वेश्चंस भी दिखा दिए ताकि आपको पता रहे कि आप जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा ऑल दी बेस्ट लीजिए बच्चों जल्दी से रिवाइज करते हैं किसको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं आज बच्चों प्रोडेंशियल नॉर्म्स को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं सबसे पहले हमने पढ़ा कि भाई एक, एक एसेट एनपीए कब बनता है इट टू जनरेट इनकम फ्रॉम बैंक अच्छा जी एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट याद रखिएगा बच्चों एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन टर्म्स ऑफ टर्म लोन कब माना जाएगा जब in, जब इंटरेस्ट या उसकी इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल या दोनों ही ओवर ड्यू है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन जी फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन कितने डेज जल्दी बोलिए नाइन्टी डेज याद रखिएगा टर्म लोन के लिए ओवर ड्यू फॉर मोर देन नाइन्टी डेज टर्म लोन के लिए ओवर ड्यू फॉर मोर देन नाइनटी डेज आउट ऑफ ऑर्डर हो गया ये किसके लिए है ओडी और सीसी कब हमारे एनपी बनते हैं जब वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाते हैं एक बिल कम ऑन एक बिल ओवर अगर रह गया है फॉर मोर देन नाइन्टी डेज एक बिल अगर ओवर रह गया फॉर मोर देन नाइन्टी डेज तो वो भी हमारा क्या बन जाता है एनपीए इन सिंपल वर्ड्स तीन पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं बेटा एक टर्म लोन का एक सी का एक बिल्स का टर्म लोन ओवर फॉर मोर देन नाइन्टी डेज सी आउट ऑफ ऑर्डर अगर आपके लिए हो गए हैं और बिल्स ड्यू भी बिल्स भी जो थे आपके डिस्काउंटेड वो भी अगर आपके मोर देन नाइन्टी डेज़ के लिए ओवर हो गए तो हम उन्हें एनपीए मान लेते हैं अब आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसे ज़रा ध्यान रखिएगा आउट ऑफ ऑर्डर का सबसे पहला एग्जाम्पल ये है कि भाई आपका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो कॉन्टिन्यूअसली Greater than, हाँ जी और है for, for 90 days. आपका बैलेंस यानी लोन का आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस है वो कॉन्टिन्यूसली क्या है इन एक्सेस ऑफ सेंशन लिमिट और ड्रॉइंग पावर फॉर 90 डेज अच्छा जी इसके बाद बच्चों सेकंड केस क्या बनता है हमारा आउट ऑफ ऑर्डर का जरा ध्यान से देखिएगा सेकंड केस बनता है कि भाई कोई भी क्रेडिट नहीं है कॉन्टीन्यूसली फॉर नाइन्टी डेज एज ऑन बैलेंस शीट डेट जो आपकी बैलेंस शीट डेट है उससे पीछे नाइन्टी डेज में जाइए और इन नाइन्टी डेज में कोई भी क्या नहीं दिख रहा है जल्दी बोलिए कोई भी क्रेडिट जो है वो नहीं दिख रहा है इज दैट क्लियर बोल दो कहना अच्छा जी तीसरा केस क्या हो सकता है याद रखिएगा बच्चों और लगा हुआ है बीच में और तीसरा केस क्या हो सकता है कि भाई क्रेडिट्स तो हैं क्रेडिट्स तो हैं ये आपकी बैलेंस शीट डेट है ये डेज है इस दौरान क्रेडिट्स तो तो हैं मेरे साथ, मेरे साथ साथ जी इस दौरान क्रेडिट्स हैं लेकिन वो क्रेडिट्स एनफ नहीं है सफिशियंट नहीं है टू कवर दी डेबिटेड इन सिंपल वर्ड्स क्रेडिट इज लेस देन इंटरेस्ट डेबिटेड जी क्रेडिट इज लेस देन इंटरेस्ट डेबिटेड ओवर ड्यू वर्ड का बच्चों हम कब इस्तेमाल करते हैं ओवर ड्यू का मतलब हम तब इस्तेमाल करते हैं जब अमाउंट ड्यू था और वो पे नहीं हुआ है ऑन द ड्यू डेट फिक्सड द बैंक इज दैट क्लियर बोलिए एक अमाउंट ड्यू को हम लोग क्या बोलेंगे ओवर ड्यू कब क्लासीफाई कर देंगे जब अमाउंट ड्यू था डेट आ गई थी उसकी लेकिन आपने पे नहीं किया अब जरा प्रोविजनिंग की बात कर लेते बच्चों सब स्टैंडर्ड एसेट की अगर मैं बात करूं सब स्टैंडर्ड पे पंद्रह परसेंट ऑफ दी वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगा प्रोविजन बन जाएगा अच्छा जी सब स्टैंडर्ड होता कौन सा है जो एनपीए रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन और इक्वल टू

अप टू डाउटफुल अप टू वन ईयर डाउटफुल अप टू अप टू वन ईयर राइट तो वो कितना प्रोविजन बनाएंगे 25 सिक्योर्ड पे 100 परसेंट अनसिक्योर्ड पे मैं हट जाता हूं और अगर वन टू थ्री ईयर के बीच में रहा है तो 40 सिक्योर्ड पे 100 परसेंट अनसिक्योर्ड पे डाउटफुल फॉर मोर देन थ्री रहा है तो बेटा 100 100 यानी कि पूरा का पूरा एसेट जो आपको राइट ऑफ करना पड़ जाएगा यानी सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो यहाँ पे तो हंड्रेड प्रोविजन ही बनेगा लॉस एसेट पर बच्चों कितना प्रोविजन बनेगा कम ऑन अगेन हंड्रेड जो है वो प्रोविजन बन जाएगा इज दैट क्लियर बोली हाँ कहना Loss asset would be one where loss has been identified by the bank. और इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर और आरबीआई इंस्पेक्शन बट द अमाउंट हैज नॉट बीन रिटन ऑफ ओनली मतलब क्या हुआ कि भाई साहब लॉस एसेट किसने आइडेंटिफाई किया या तो बैंक ने या इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर ने या फिर आरबीआई ने इंस्पेक्शन के दौरान बता दिया था कि भैया ये लॉस एसेट है इस पर हंड्रेड प्रोविजनिंग कर दो आपने करी नहीं थी तो उसमें आप प्लीज उसे लॉस एसेट डिक्लेयर करके उस पर हंड्रेड प्रोविजनिंग कर दीजिए नाउ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बच्चों किसके बेस पर होता है रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी के बेसिस पे बोरवर की गारंटर की कोई भी चीज जो है वो मैटर हाँ जी बॉर की गारंटर की कोई भी

आ जाइए बच्चों अब चलते हैं आगे और देखने की कोशिश करते हैं बोरोर वाइज वाइज एंड नॉट फैसिलिटी बोरोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बच्चों मिस्टर ए ने दो लोन ले रखे थे गाड़ी का लोन हाउसिंग का लोन गाड़ी का लोन जो है ये सर्विस नहीं कर रहे हैं और हाउसिंग लोन रेगुलरली सर्विस कर रहे हैं क्या दोनों लोन एनपीए मान ली जाएंगे आंसर इज येस अगर बच्चों गाड़ी का लोन एनपीए बना तो दोनों के दोनों लोन या और जितने लोन चल रहे होंगे सबको हम लोग क्या मान लेंगे एनपीए मान लेंगे अकाउंट रेगुलराइज नियर दी बैलेंस शीट डेट तो यहां पर आपको क्या बोला जा रहा है हैंडल विद केयर करिए हैंडल विद केयर करिए और साथ में अगर आपको इनहेरेंट वीकनेस लग रही है आपको ऐसे फैक्टर्स दिख रहे हैं कि भाई सब ये वापस पे नहीं कर पाएगा तो अकाउंट को हम लोग एनपीए मानते हुए चलेंगे गवर्नमेंट ग्रांटेड एडवांसेस इसके लिए बच्चों हमने क्या बना लिया था इसके लिए हमने एक प्यारा सा चार्ट बना लिया था कहाँ गया वो चार्ट हमारा कहाँ गया कहाँ गया कहा गया अरे इतना बढ़िया चार्ट बनाया था हमने वो ये रहा बच्चों तो गवर्नमेंट ग्रांट ग्रांटेड एडवांसेस में हम लोग क्या देखेंगे अगर सीजी ने गारंटी दे रखी है इनवोक रेप्यूडिएट हो गई तो भाई साहब एनपीए मान लेंगे इनकम रेकोग्शन के लिए भी एसेट क्लासिफिकेशन के लिए भी सीजी ने गारंटी दे रखी है और इनवोक नहीं हुई है रेप्यूडिएट नहीं हुई है तो याद रखिए इनकम रेकग्निशन के लिए कम और इनकम रेकग्निशन के लिए एनपीए मान लेंगे लेकिन एसेट क्लासिफिकेशन के लिए वो क्या रहेगा स्टैंडर्ड एसेट ही रहेगा स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग कुछ मानते ही नहीं है बच्चों जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा यानी अगर ओवर हो गया फॉर मोर देन नाइन्टी डेज टर्म लोन था तो उसे एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाएगा इज दैट क्लियर बोलिए के कहना बोलिए आ जाओ अच्छा जी देन इसके बाद बच्चों हम चलते हैं आगे और देखने की कोशिश करते हैं और क्या था हमारे पास आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से ये हो गया हमारा गवर्नमेंट गारंटेड एडवांस अब हम बात करते हैं बच्चों एडवांस अंडर कंसोटियम की ये एडवांस अंडर कंसोटियम कैसे काम करता है वेरी सिंपल याद रखिए इसके तो हमने बहुत ही प्यारे प्यारे नोट्स बनाए बच्चों एडवांस टू अ बोरओवर बाय टू और मोर बैंक ज्वाइंटली राइट बेनिफिट क्या है कंसोलिडेटेड अप्रेजल बेनिफिट रिस्क रिड्यूस, एक्सपोजर लिमिट एक्सपोजर का मतलब भी भाई रिस्क ही होता है एक्सपोजर का मतलब भी आपका रिस्क ही होता है राइट एंड इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन आपस में क्या हो पाएगी एक्सचेंज हो पाएगी लीड बैंक लीड बैंक कौन सा बैंक होता है जिसका सबसे ज्यादा कमा जिसका सबसे ज्यादा शेयर होता है एसेट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी बाय इंडिविजुअल मेंबर बैंक किसको पैसे, जिसको पैसे मिल रहे हैं वो वैसे क्लासिफाई करे जिसको नहीं मिल रहे हैं वो वैसे क्लासिफाई करे बॉरवर ने अमाउंट दे दिया किसको लीड बैंक को लीड बैंक पे नहीं कर रहा है मेंबर बैंक को तो बेटा मेंबर क्या ट्रीट करेगा मेंबर विल ट्रीट द अमाउंट एज नॉट सर्विस नॉट रिकवर्ड एंड क्लासीफाई अकॉर्डिंगली इज दैट क्लियर आ जाओ जी पार्टिसिपेटिंग बैंक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकवरी ऑफ देयर शेयर फ्रॉम दी हाँ जी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकवरी ऑफ दी शेयर फ्रॉम दी वॉट लीड बैंक

क्या हुआ रियलाइजेबल वैल्यू इज लेस देन 50 परसेंट रियलाइजल वैल्यू इज लेस देन 50 परसेंट ऑफ द लास्ट असेस्ड वैल्यू जो लास्ट इंस्पेक्शन में हुई थी तो आप इसे डायरेक्टली डाउटफुल में ले जाइए अब आप इसे सब स्टैंडर्ड में नहीं ले जाएंगे अच्छा रियलाइजेबल वैल्यू इज लेस देन टेन परसेंट रियलाइजेबल वैल्यू इज लेस देन टेन परसेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग इन दी बोरोड अकाउंट बॉरवल अकाउंट तो बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं आपका जितना लोन रह गया उसके सिर्फ दस परसेंट से भी कम की आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू रह गई है लॉस एसेट बना देंगे सीधा फुली राइट ऑफ कर देंगे हंड्रेड परसेंट प्रोविजन बना देंगे डन बोलिए आ जाओ जी नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारे पास कौन सा आया नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आया एडवांस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट एन 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 केवीपी आईवीपी एटसेट्रा न, न आपका टर्म डिपॉजि हो गया फिक्स डिपॉजिट इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो सकता है किसान विकास पत्र हो सकता है इंदिरा विकास पत्र हो सकता है इनके अगेंस्ट जो लोन है उनको एन पी ए नहीं मानेंगे जब तक हमारे पास एडिकुएट मार्जिन तो जो है वो अवेलेबल है एग्रीकल्चर एडवांस इफेक्टेड बाय नेचुरल कैलॉमिटीज़ अगर कोई एग्रीकल्चर एडवांस दिया था और भाई साहब नेचुरल कैलॉमिटी की वजह से जो है उस पर कुछ इंपेयरमेंट हुई है उन एडवांसिस पे इंपैक्ट आया है तो सबसे पहली बात बैंक को जो है फ्रीडम दी गई है कि आप अपना रिलीफ मेजर डिसाइड कीजिए क्या करना चाहते हैं क्या इनके शॉर्ट टर्म लोन को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं क्या इनको और शॉर्ट टर्म लोन आप देना चाहते हैं जो करना करिए नो प्रॉब्लम एट ऑल और फिर एनपीए क्लासिफिकेशन आप गवर्न करेंगे बाय दी सच री सेड्यूल्ड टर्म राइट आरबी ने इसके लिए डिटेल गाइडलाइंस दे रखी है वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है बस हमें इतना पढ़ना है कि भाई पहले बैंक अपने मेजर्स दे, दे देगा और मेजर्स के बाद जो रीशेड्यूल्ड टर्म्स बने हैं उसके हिसाब से हम लोग क्या करने वाले हैं एनपीए क्लासिफिकेशन करने वाले हैं एडवांसेस टू स्टाफ याद रखिए एज अ बैंकर हो सकता है एज अ एम्प्लॉयर हो सकता है एज अ बैंकर करेंगे तो एडवांस पोर्टफोलियो में जाएगा एज अ एम्प्लॉयर करेंगे तो वो कहां पे जाने वाला है आपका अदर एसेट्स अदर एसेट्स में जाने वाला है अदर एसेट्स का जो स्केड्यूल बनेगा अदर्स के नाम से उसके अंदर वो दिखाई देने वाला है अब जरा ध्यान ध्यान दीजिएगा दीजिएगा बच्चों हाउसिंग लोन वगैरह पे मैंने आपको सिखाया था कि भाई साहब स्टाफ के पास जो है वो फैसिलिटी होती है कि वो जो है अपना लोन जो है पहले प्रिंसिपल पे कर सकता है और बाद में इंटरेस्ट पे करने का ऑप्शन भी एक्सरसाइज कर सकता है तो अगर वो ऐसा करता है कि प्रिंसिपल पहले पे कर रहा है और इंटरेस्ट बाद में पे कर रहा है तो मुझे बताइए ये जो इंटरेस्ट वो अभी नहीं पे कर रहा है क्या इसकी वजह से आप आपसे एनपीए बना देंगे आंसर इज नो उसकी वजह से उसे एनपीए नहीं बनाएंगे ऐसे लोन और को हम लोग एनपीए तभी क्लासिफाई करेंगे ओनली वन देर इज डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स यानी ड्यू डेट्स पे नहीं होगा तो बेटा हम लोग क्या बनाएंगे एनपी बनाएंगे अदरवाइज हम उसे एनपीए नहीं बनाएंगे एग्रीकल्चर एडवांस बच्चों दो तरह के हो सकते हैं एक लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप कौन सा होता है बेटा जहां पर क्रॉप सीजन जो है वो लॉन्गर देन क्या है वन ईयर है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप कौन सा होता है जो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप नहीं होता है कमऑन बोलिए हाँ कहना लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप कौन सा होता है जहां पे आपका क्रॉप सीजन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन क्या है जल्दी बोल दीजिए ग्रेटर देन आपका वन ईयर है ग्रेटर देन वन ईयर है और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप क्या होता है जो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप नहीं है यहां तक साथ में है अच्छा अब इनके एडवांसेस को एनपीए कैसे मानते हैं बहुत सिंपल है बच्चों बहुत सिंपल है इधर देखिए शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप को हम एनपीए तब मानेंगे अगर इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है वो रहता है ओवरड्यू कमॉन्ट वो रहता है ओवर ड्यू फॉर टू क्रॉप सीजन वो रहता है ओवर ड्यू फॉर कमॉन्ट एलमी फॉर टू क्रॉप सीजन इज दैट क्लियर बोलिए एंड एंड हम लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के केस में एनपीए कब मानेंगे अगर इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है वो रहती है ओवर ड्यू फॉर वन क्रॉप सीजन डन बोलिए लीजिए बच्चों ये हमारे अडवांज रिलेटेड टॉपिक्स जो है हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं चलिए जी बैंक ऑडिट में चलते हैं बच्चों हम लोग आगे और आज हम लोग रिवाइज कर रहे हैं क्या कमाउंट एलमी जल्दी बता दो ऑडिट ऑफ एडवांसेस ऑडिट ऑफ एडवांसेस जो है कैसे करेंगे हमें एविडेंस ऑप्टेन करना है इन चीजों के लिए और बच्चों मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बच्चों क्या आप लोग मुझे चैट में बता सकते हैं सारे पॉइंट्स आंखें बंद करके चलो उस ऑडिटर के घर जो एडवांसेस का ऑडिट करता है घर के बाहर थे चार गमले चार गमले मतलब चार जड़े बच्चों ई e आर सी वी Existence, उसके बाद क्या आता है एक्सिस्टेंसोडलगेशन फिर क्या आता advanced, फिर क्या आता आता है है कोई भी नहीं होना चाहिए और फिर बच्चों वैल्यूएशन राइट वैल्यूएशन प्रॉपर होनी चाहिए वैल्यूएशन करते समय आपको सारे वैल्यूएशन के जो प्रिंसिपल्स हैं एज पर दी गाइडलाइंस वो कंसिडर कर लेने चाहिए रिकवरेबिलिटी भी कंसिडर करनी चाहिए अंदर चलो गेट खुल गया राइट साइड देखो राइट right साइड में क्या पड़ी थी डॉक्यूमेंट्स 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 बच्चों डॉक्यूमेंट्स याद है आपको के ना फिर डॉक्यूमेंट्स के साथ में क्या था माइक माइक प्रोविजन हेलो 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 माइक 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 के साथ बच्चों क्या क्या था डॉगी 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 बोले तो इंटरनल कंट्रोल और उसके साथ बच्चों क्या था वो नीले रंग की बीन बैग जैसी चेयर पड़ी हुई थी जहां पर बैठ के हम लोग क्या लगाते थे एनालिटिकल प्रोसीजर और फिर नजर पड़ी हमारी ऊपर स्पॉटलाइट डिस्कलोज क्लासिफाइड डिस्क्राइब ड क्लासिफाइड डिस्क्राइब पहले बताओ सारे पॉइंट याद आ गए सारे पॉइंट याद आ गए क्या रिविजन वीडियो भी शेयर करा दू एक बार जल्दी से जल्दी बोलो करना चाहते हो शेयर करना चाहते हो चलो बेटा चलो आओ रिविजन वीडियो में भी आप लोगों को शेयर करा के आता हूं और जो लोग कॉपी करते रहते हैं भाई अब ये भी कर लेना कोई बात नहीं यार सारे बच्चों का भला होना चाहिए बच्चों का भला होना चाहिए अब तुम मेरी कॉपी करो किसी की कॉपी करो कुछ भी करो बस बच्चों को बता दिया करो कि कहां से सीखा है तुमने ये तो बच्चों वो घर अगर मैं आपको दिखाऊं बाहर से बाहर से दिखाऊं तो ये चार पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं बोलो हाँ के ना जल्दी बोलो हाँ के ना यह क्या है बच्चों ई आर सी वी एग्जिस्टेंस राइट्स एंड ऑब्लीगेशन कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन फिर हम लोग चले थे घर के अंदर घर के अंदर घर के अंदर चलते जाओ चलते अरे जल्दी जल्दी चलो जल्दी जल्दी चलो जल्दी जल्दी चलो ये येरा गेट ये ईरा गेट ये ईरा गेट घुस गए भाई अरे घर चले गए हम लोग बच्चों घर के अंदर और घर के अंदर गए और थोड़ा सा आगे चलते हैं और फिर घूम के देखते हैं वो दीवार कहां गई वो दीवार ये रही बच्चों दीवार जिसकी हम बात कर रहे थे क्या क्या पढ़ा है जल्दी मेरे साथ क्या क्या पढ़ा है जल्दी बता दो बेटा डॉक्यूमेंट्स माइक डॉग एंड बीन बैग डॉक्यूमेंट्स क्या थे डॉक्यूमेंट्स हमारे डॉक्यूमेंट्स के नाम से माइक से क्या था प्रोविजन डॉग क्या था इंटरनल कंट्रोल बीन बैग क्या था कमॉन अप्रोप्रेट एनर्टी के प्रोसेसर ऊपर देखो ऊपर की तरफ देखो ऊपर की तरफ देखो ऊपर की, की तरफ देखो क्या है बच्चों स्पॉटलाइट डिस्कलोज डिस्क्राइब डिस्कलोज डिस्क्राइब्ड एंड क्लासिफाइड क्या ये सारे पॉइंट्स याद हैं आप लोगों को अच्छा एक बार कहीं भाई यूट्यूब पर जाके हंगामा तुम्हें मचाओगे कि रटवा दिया अच्छे से समझाया था पहले क्लास में जल्दी बोलो एक एक पॉइंट समझा रखा है हाँ, सर समझा रखा है उसके बाद रटवाया ताकि आप लोग एग्जाम में कामयाब हो पाए चलते हैं बच्चों और देखने की कोशिश करते हैं इधर देखिएगा एवरी वन एवरी वन एवरी वन प्लीज 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 फोकस करिए जरा तो ये देखिए ई आर सी वी यहां पे हो गया उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स कैसे होने चाहिए अमाउंट ड्यू मस्ट बी सपोर्टेड बाई डॉक्यूमेंट प्रोविजन एज पर आर बी आई नॉम डिस्कलोड क्लासीफाइड डिस्क्राइब स्पॉटलाइट डिस्कलोज क्लासिफाइड डिस्क्राइब इसमें बच्चों हमने क्या देखा इसमें हमने देखा एडवांस जो है वो कैसे होने चाहिए टेल में जल्दी बोल दीजिए डिस्कलोज क्लासिफाइड डिस्क्राइब्ड एज पर अकाउंटिंग पॉलिसीज आई सी आई सी बच्चों याद है डॉग आई सी आई सी कैसा होना चाहिए सैक्शनिंग को लेकर प्रॉपर आईसी डिजाइन होना चाहिए और थ्रू आउट द ईयर काम करना

आइए नेक्स्ट पॉइंट बच्चों नेक्स्ट पॉइंट जरा साथ दीजिएगा इवैल्यूएशन ऑफ आईसी डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा हाउ एज अ ऑडिटर यू विल इवैल्यूएट द आईसी ऑफ अ बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांसेस हाउ एज अ ऑडिटर यू विल इवैल्यूएट द इंटरनल कंट्रोल ऑफ अ बैंक विद रिस्पेक्ट टू एडवांसेस सबसे पहले तो कायकू कायकू बेटा डिटरमाइन 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 एन ई टी चलो ले चलो तुम्हें ऑडिटर के घर में चलना है चलना है चलना है चलना है ये सारे पॉइंट याद है हमको यस सर सारे पॉइंट है जरा ले चलो घर के अंदर लो बेटा लो चल रहे हैं जरा घर के अंदर आओ अब हम लोग क्या करेंगे पलटी मारेंगे बच्चों पलटी मारेंगे पलटी पलट पलटे पलटे पीछे जाओ पीछे हो जाओ, पीछो जाओ। हां जी सबसे पहला पॉइंट क्या था बच्चों जल्दी बताओ क्रेडिट वर्दीनेस एक एक पॉइंट याद आना चाहिए एक एक पॉइंट बच्चों चैट में चलना चाहिए पहला पॉइंट क्या था क्रेडिट वर्दीनेस इसको देख रहे हो इसको ए यहाँ पे खड़ा हो गया मैं यहाँ पे खड़ा हो गया मैं यहाँ पे खड़ा हो गया मैं ये क्या है बच्चों ये क्या है जल्दी बताओ ये क्या है आपके पास डॉक्यूमेंट्स टी पे क्या लिखे हुए थे टर्म्स ऑफ सेंक्शन टी और फायर प्लेस के बीच में टी और फायर प्लेस के बीच में क्या था अप्रोप्रेट मार्जिन और बच्चों जिन सिक्योरिटी की ओनरशिप हमारे पास थी वो सिक्योरिटीज कहां पे रखी हुई हैं ये सिक्योरिटीज दिख रही हैं आपको बुक शेल्फ में और उसके बाद कुछ सिक्योरिटी ऐसी थी ये याद है बच्चों साइकिल वाला अपराइट बाइक याद है ये अपराइट बाइक क्या था ऐसी ऐसी, ऐसी बच्चों सिक्योरिटी जिसकी रजिस्ट्रेशन करवाना था जिसका क्या करवाना था रजिस्ट्रेशन एक बार याद है इस ऑडिटर ने उधार लिया था एक बार याद है इस ऑडिटर ने उधार लिया था क्या गिरवी रख के उधार लिया था बच्चों ये डाइनिंग टेबल लिख के रख के जो है उधार लिया था बोल दो राइट तो गुड्स गुड्स जो जिनकी पोजीशन किसके पास है बैंक के पास है अच्छा याद करो बच्चों डाइनिंग टेबल के नीचे क्या पढ़ा है ये क्या है बता सकते हो मुझे ये डाइनिंग टेबल के नीचे क्या पड़ा है मुझे मोहल बना रखा तुमने ड्राइंग पावर रजिस्टर बना हुआ है लिमिट ये बच्चों बास टू दिख रहे हो तुम बास टूर कैसे बास टूल कैसे कमॉन रेगुलर हैं मम्मी किचन में खड़े होकर क्या करती रहती हैं रिव्यू करती रहती हैं क्या सारे पॉइंट्स याद हैं आप लोगों को आंसर इज यस सारे पॉइंट्स याद है बच्चों तो इसी बात पे चलते हैं अपन वापस और देखते हैं कितने पॉइंट्स हम लोग बोल पाए थे सबसे पहले बच्चों याद है सोफा क्रेडिट वर्दीनेस फिर उसके बाद बच्चों क्या था बुक शेल्फ खाली पड़ी थी डॉक्यूमेंट्स के लिए फिर उसके बाद टीवी पे क्या थे टर्म्स ऑफ सेंक्शन फिर याद रखिए टीवी और फायरप्लेस के बीच में क्या था कम ऑन एवरीवन एवरीवन मार्जिन सफिशिएंट मार्जिन फिर बच्चों अगली वाली बुक शेल्फ में क्या रखी हुई थी सिक्योरिटीज जिनकी ओनरशिप हमारे पास है अपराइट बाइक right क्या थी ऐसी सिक्योरिटी जिसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है अच्छा जी उसके बाद बच्चों गुड्स इन दोजिशन ऑफ द बैंक डाइनिंग टेबल बैंक उठा के ले गया था याद है डाइनिंग टेबल के नीचे क्या पड़ा हुआ था ड्राइंग पावर रजिस्टर घड़ी लिमिट बार स्टूल इेगुलर मम्मी रिव्यू भारत माता की जय सबकी माता की जय आ जाओ बच्चों आ जाओ प्लीज अब पहले मुझे बताओ क्या ये कॉन्सेप्ट हमने समझ भी लिए थे फॉर एग्जांपल क्रेडिट वर्देनेस तो हम क्या बोलेंगे इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए जो भाई सैंक्शनिंग करने से पहले क्या करे क्रेडिट वर्दनेस चेक करे क्या बोलती पब्लिक कम ऑन बोल दो हाँ क्या फिर क्या था बुक शेल्फ बुक शेल्फ में क्या थे डॉक्यूमेंट्स याद है ना तो भाई आपका आईसी ऐसा होना चाहिए कि जो भी आप लोग एडवांसेस दें वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स सपोर्टेड होने चाहिए फिर क्या था बच्चों टर्म्स ऑफ सेंशन टर्म्स ऑफ सेंक्शन कंप्लाइंस में है या नहीं ये चेक करें आईसी आपका यानी कि जिस पर्पज के लिए लोन लिया है उसी पर्पज के लिए यूज हो फिर उसके बाद क्या था बेटा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आईसी ऐसा हो कि इंश्योर करे कि भाई सब सिक्योरिटी के बीच में और लोन के बीच में एडिक्वेट क्या है मार्जिन है कमॉन याद आ रही है सारी बातें सिक्योरिटी ओनरशिप अगर कोई ऐसी सिक्योरिटी जिसका रजिस्ट्रेशन जिसका ओनरशिप बैंक के नाम पे होनी चाहिए थी तो भाई ये इंश्योर करें कि बैंक के नाम पे है कोई ऐसी सिक्योरिटी जिसका रजिस्ट्रेशन बैंक के नाम पे होना है तो इंश्योर करें कि भाई सिक्योरिटी बैंक के नाम पर रजिस्टर है बैंक के पास बैंक के पास बच्चों जो गुड्स लेके आया था हम उसके पैकेट का कॉन्टेंट चेक कर लें और रेगुलरली गोडाउन पर विजिट करवा के गुड्स को चेक करवाते रहें देन ड्राइंग पावर रजिस्टर अब तो बच्चों आप लोग पढ़ सकते हो ये मैंने बोलता ड्रॉइंग पावर के बाद पढ़ेंगे ड्रॉइंग पावर रजिस्टर मस्ट भी अपडेटेड मंथली टू रिकॉर्ड हाईपोटिकेटेड सिक्योरिटीज वैल्यू विद ऑफिसर चेक तो मंथली अपडेट करेंगे ताकि हम लोग क्या करते रहे हाइपोथिकेटेड सिक्योरिटी की वैल्यू को ऑफिसर चेक के साथ जो है वो अपडेट करते रहे लिमिट लिमिट बच्चों इंश्योर करना है कि भाई साहब आपका अकाउंट जो है ड्राइंग पावर और सैंशन लिमिट में रहे इेगुलर अकाउंट की अगर बात करूं तो आपने देखना है कि कोई भी कोई भी अगर अकाउंट इरेगुलर है तो हमें कंट्रोलिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है और रिव्यू की अगर बात करूं तो हर एडवांस को ईरली आईसी आपका एक बार रिव्यू कर ले जो बड़े अकाउंट है उनको एक से ज्यादा बार रिव्यू कर ले समझा भी दिया रिविजन वीडियो में और के बच्चे की जान लोगे आ जाओ मेरे साथ फिर आते बच्चों के पास ड्राइंग पावर ड्राइंग पावर इज इम्पोर्टें कॉन्सेप्ट फॉर कैश क्रेडिट ड्राइंग पावर बच्चों क्या है वो लिमिट जहां तक आप लोग पैसा विद्रॉ कर सकते हो आउट ऑफ योर वर्किंग कैपिटल सैक्शन

डन और डीपी क्या है वैल्यू ऑफ प्राइमरी सिक्योरिटी लेस मार्जिन ऑन अ पर्टिकुलर डेट वैल्यू ऑफ प्राइमरी सिक्योरिटी लेस मार्जिन ऑन अ पर्टिकुलर डेट याद रखेंगे बोलिए आ जाओ जी देन रिलेवेंस क्या है अकाउंट्स हमेशा आपके ड्रॉइंग पावर और सैक्शन लिमिट्स के अंदर रहने चाहिए ड्रॉइंग पावर कभी भी सैक्शन लिमिट से ऊपर नहीं जा सकती अगर सैक्शन लिमिट से ऊपर है तो बेटा ड्रॉइंग पावर सेंशन लिमिट पर आपको लेके आनी पड़ेगी अच्छा जी अकाउंट एक्सीडिंग लिमिट बेस्ड ऑन अनअप्रूव सिक्योरिटी मस्ट बी रिपोर्टेड टू मैनेजमेंट और एचओ काम का पॉइंट नहीं था हमने पहले ही कवर कर लिया था आईसी में कैलकुलेशन आपको बच्चों कैलकुलेशन कैसे करनी है बेस्ड ऑन द लेटेस्ट स्टॉक स्टेटमेंट लेकिन बड़े अकाउंट होल्डर्स के केस में आप क्या कर सकते हैं नॉट ओल्डर देन थ्री मंथ्स टू अवॉइड इरेगुलरिटीज आ जाओ जी ऑडिटर का कंसर्न सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ऑडिटर का कंसर्न किससे है स्टॉक स्टेटमेंट रेगुलर रिटर्न्स को वो चेक करेगा फिर जब उसकी एनुअल स्टेटमेंट और एनुअल ऑडिटेड स्टेटमेंट्स आ जाएंगी उनको चेक करेगा उनको कंपेयर करेगा दोनों के बीच में बच्चों अगर कोई डेविएशन है तो उसके रीजन को समझने की कोशिश करेगा स्टॉक स्टेटमेंट क्वार्टरली रिटर्न और अदर बॉरोर स्टेटमेंट ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट और अदर ऑडिट डॉक्यूमेंट कंपेयर करेंगे फाइनली और रीजन फॉर डिविएशन ढूंढने की कोशिश करेंगे हां जी कंप्यूटेशन डीपी कैलकुलेशन बच्चों याद रखिएगा किस पे किसके बेसिस पे कंप्यूट करनी है विद द बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गाइडलाइन एंड एग्रीड अपॉन बाय कंसर्न ऑडिटर डीपी कैलकुलेशन मस्ट बी इन अलाइनमेंट विद दी बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनकी गाइडलाइन और मस्ट बी एग्रीड विद दिस स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों स्पेशल कंसीडरेशन इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू दी सन्ड्री क्रेडिटर्स स्पेशल कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू दी सन्ड्री क्रेडिटर्स अच्छा जी देन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टॉक ऑडिट किसके लिए मैंडेटरी है मैंडेटरी फॉर अकाउंट्स विद फंड एक्सपोजर ओवर रुपीज फाइव करोड़ के लिए भी सेस कर सकता है क्या हाँ कंसोटियम लैंडिंग में हम लोग क्या करेंगे लीड बैंक से ले लेंगे भाई साहब स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट और स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट में ऑर्डर का फोकस कहाँ पे रहेगा ऑर्डर का फोकस रहेगा सिक्योरिटी की वैल्यूएशन पे एंड डीपी कैलकुलेशन पे सिक्योरिटी की वैल्यूएशन पे और डीपी कैलकुलेशन पे अभी ना जाओ छोड़ के के दिल अभी भरा नहीं आपके बच्चों एग्जाम में आएगी डीपी कैलकुलेशन डीपी कैलकुलेशन आपने कैसे करने याद कैल्कुलना डेटर स्टॉक में से बच्चों सबसे पहले आपने क्या क्या चीजें माइनस करनी है आपने जो बैड स्टॉक है यानी कि जो आपका डिस्ट्रॉयड स्टॉक है उसको माइनस कर देना जैसे चावल थे पांच करोड़ के एक करोड़ के यमुना की बाढ़ में खराब हो गए थे उसे माइनस कर देना फिर उसमें से बच्चों आपने क्रेडिटर माइनस कर देने क्योंकि आपको चाहिए पेड स्टॉक फिर इस पेड स्टॉक में से आप लोग मार्जिन माइनस करेंगे और फिर आपके पास आ जाएगा कि स्टॉक के साथ में आपकी ड्रॉइंग पावर क्या बन रही है स्टॉक के हिसाब से डेटर में से बच्चों हम लोग क्या कर देंगे डेटर में आपको टर्म्स एंड कंडीशन आपके नोटबुक में लिख के दे रखे हैं आपके क्वेश्चन में लिख के दे रखे होंगे कि डेटर्स ओल्डर देन 90 डेज को इग्नोर करना है कुछ ना लिखा हो तो भी आप एज्यूम कर लीजिएगा डेटर ओल्डर देन 90 डेज को इग्नोर करना है नीचे आप लोग नोट लिख के आ सकते हैं फ्रेश डेटर्स हमें चाहिए होते हैं हम लोग ओल्ड डेटर्स को जो है इसमें से माइनस कर देंगे और उसके बाद बच्चों जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे मार्जिन माइनस कर देंगे फिर हमारे पास डेटर वाली भी क्या निकल के आ जाएगी ड्रॉइंग पावर और टोटल ड्राइंग पावर निकालने के लिए इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे एड कर देंगे क्या बोलती पब्लिक बोलो हाँ के ना क्या बच्चों हमने इस पे क्वेश्चन कर लिए थे यस हमने सर इसके ऊपर टोटल मिलाकर पांच क्वेश्चन किए थे तीन न्यूमेरिकल और दो थ्योरी वाले बता दो हां के ना डन पक्का आ जाओ जी तो ये है बच्चों वो क्वेश्चन जैसे कि मैं आपको क्विकली एक दिखा भी देता हूं कि स्टॉक है 50000 का डेटर डेटर है बच्चों 45000 में जिसमें पांच हजार के डेटर जो है वो आपके स्पेसिफाइड टाइम से पुराने हैं सेंट्री क्रेडिट है पैंतालीस हज़ार के सैक्शन लिमिट है फोर्टी फाइव थाउजेंड की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जरा ध्यान से देखिएगा स्टॉक पे मार्जिन है बीस परसेंट डेटर पे मार्जिन है पचास परसेंट तो बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं सबसे पहले हमने स्टॉक का, का काम करना शुरू किया पचास का स्टॉक था अनपेड स्टॉक हमें निकालना है अनपेड स्टॉक को बच्चों में क्या कर देना है माइनस कर देना है यानी क्रेडिटर्स को हमें माइनस कर देना है तो पेड स्टॉक हमारे पास यहाँ पे आ गए और ये जो पेड स्टॉक है बच्चों ये जो पेड स्टॉक है इस पर से हमने मार्जिन माइनस कर दिया और मार्जिन माइनस करने के बाद हमारे पास जो है इस पर ड्रॉइंग पावर निकल के आ गई है फिर उसके बाद

उ इज दैट क्लियर डन बच्चों डन ये हो गया हमारा आज का रिविजन भी कंप्लीट ऑल द बेस्ट चलिए जी तो हम बच्चों आज रिवाइज करने वाले हैं बैंक ऑडिट में आपके ऑडिट प्रोसीजर एंड अप्रोच फॉर इनकम पहले मैं आपको बता दूं बच्चों अगर आप बैंक ऑडिट के अपने नोट्स देखेंगे तो हमने एडवांसेस तक तो सारा काम कर लिया था अब एडवांसेस के बाद बच्चों क्या आता है इनकम आती है इनकम इनकम बोलिए क्या आती है इंकम. ये आपने एक बार उम्मीद करता हूं रीड कर लिया होगा कि भाई कौन कौन से आइटम जो है बैंक की इनकम में इंक्लूड होते हैं जैसे कि इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन एडवांस और बिल इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई एंड अदर इंटर बैंक फंड एंड अदर्स और अदर्स में आप देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं जैसे कमीशन ऑन बिल्स फॉर कलेक्शन कमीशन एक्सचेंज ऑन रेमिटेंस और ट्रांसफर जैसे कि ड्राफ्ट बनवाने पे जो फीस मिलती है पे पे जो जो फीस फीस मिलती मिलती है है लेटर ऑफ क्रेडिट पे जो फीस मिलती है, फीस मिलती है, फीस मिलती है भाती भाती प्रकार की बैंक की इनकम होती है एक बार बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जस्ट गो थ्रू गो थ्रू इट एक बार रीडिंग कर लीजिएगा ज्यादा इसका स्ट्रेस लेने की जरूरत है नहीं अब आते मेन मुद्दे पे कि ऑडिट अप्रोच एंड प्रोसीजर फॉर इनकम क्या रहने वाली है हमने सारी हेडिंग्स तो याद कर ली हैं राइट right. मैं एक बार वो रिवीजन कैसे करनी है वीडियो में भी दिखा दूंगा मेमोरी पैलेस टेक्निक हमने निकाल रखी है वो आपको भी दिखा देंगे बट एक बार बच्चों सबको समझ भी लेते हैं सबसे पहले ऑडिटर कंसर्न मैं इस हंड्रेड परसेंट कॉन्फिडेंस चाहता हूं आप लोगों का ऑडिटर कंसर्न के ऊपर एक बार मुझे चैट में बता दीजिए क्या ऑडिटर कंसर्न वाले पॉइंट पे आप लोग हंड्रेड कॉन्फिडेंट हैं कम ऑन ऐसा और नो जल्दी बोलो बिल्कुल इसमें कुछ बताना ही नहीं है बेटा इसके अंदर सिंपली आपने क्या लिखना है इसके अंदर सिंपली आपने जो है वो लिखनी है असर्शंस कि ऑडिटर को इंटरेस्ट इनकम को लेके जो असर्शन हैं वो चेक कर लेनी है अब इंटरेस्ट इनकम को लेके क्या असर्शन बनती है ओ सी ए सी सी राइट ओ से अक्रेंस क्विकली बोल देता हूं अक्रेंस मतलब ये जो इंटरेस्ट इनकम रिकोगनाइज कर रहे हैं ये एक्चुअली में अकर ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में है और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन थी उसी के रिस्पेक्ट में है। C से मतलब कंप्लीटनेस सारी इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड होनी चाहिए कोई इंटरेस्ट इनकम अनरिकॉर्डेड नहीं होनी चाहिए ए से मतलब एक्यूरेसी सारे अमाउंट जो है वो सही सही होने चाहिए मैथमेटिकल एक्यूरेसी सही होनी चाहिए फिर एक और सी से मतलब कट ऑफ मतलब राइट right पीरियड में रिकॉर्ड होनी चाहिए और एक और सी से मतलब बच्चों क्लासिफिकेशन मतलब भाई सब ऐसा ना हो कि कोई कैपिटल अमाउंट आपको मिला था और आपने उसको अपनी इनकम में शो कर दिया इजी पीजी स्क्वीजी पक्का अच्छा जी ऑल दो आईसीए ने तीन पॉइंट बोले हैं बट मुझे पता है कि आप लोग बहुत होनहार हैं आप लोग सारे पॉइंट याद रख सकते हैं क्या बोलती पब्लिक ऑन अच्छा जी उसके बाद बच्चों आरबीआई की डायरेक्शन क्या है अब आ गई है ऐसे पढ़ने वाले पॉइंट्स, समझ गए कैसे पढ़ने वाले पॉइंट्स बस 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 राम 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 लिख के आ जाएंगे आरबीआई की गाइडलाइन क्या बोलती है कोई भी इनकम अगर एक परसेंट ऑफ द टोटल इनकम ग्रॉस बेसिस पे या एक परसेंट ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेट बेसिस पे इंक्रीज कर जाती है तो बेटा उसको आप लोगों ने कैसे करना है शुड बी कंसिडर ऑन एक्रूवल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाइन अच्छा जी याद रखें बच्चों अदर देन मटीरियल इनकम साथ साथ में मेमरी टेक्निक भी चलाता रहूं याद याद रखो ऑर्डर कंसर्न टेबल हिल रही थी टेबल हिल रही थी उसके बाद आरबीआई डायरेक्शन लैंप बच्चों आरबीआई की तरह डायरेक्शन दे रहा था और उसके बाद पड़ी हुई नोटबुक कैसी थी अदर देन मटीरियल यानी कि इम मटीरियल याद रखेंगे आ जाओ अभी दिखा भी दूंगा यूट्यूब वालों चिंता मत करो उस घर में ले चलेंगे आपको फर्स्ट फ्लोर की बातें चल रही हैं फर्स्ट फ्लोर की ऐसे रूम की जहां पे हम लोग इनकम को ऑडिट कर रहे थे बैठ के अदर देन मटीरियल इनकम तभी रिक्नाइज करें जब रिसीव हो और ऑडिटर इस बात के लिए रिपोर्ट को क्वालिफाई नहीं करेगा रेवेन्यू सर्टिनिटी बच्चो रेवेन्यू सर्टिनिटी मैकबुक प्रो याद आ रहा है रेवेन्यू सर्टिनिटी रेवेन्यू सर्टिनि क्या है बच्चो एसेंशियल कंडीशन फॉर अक्रूवल ऑफ इनकम याद रखिए क्या है It should not be unreasonable to expect the collection. It should not be unreasonable to expect the collection.

इनकम uh, जो है वो रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे जब तक वो क्या नहीं हो जाएगी रियलाइज़ नहीं हो जाएगी जैसे ही वो एन हुआ एन होते ही साथ हम देखेंगे क्या उसके नाम की कोई इनकम क्रेडिट हो रखी है क्या अगर हाँ और अभी तक रियलाइज़ नहीं हुई है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे जैसे ही एन क्लासिफाई हुआ चेक क्या उसके नाम की कोई इनकम बच्चों क्रेडिट हो रखी है अगर हो रखी है और रियलाइज नहीं हुए तो वापस क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे और क्या ये बात बच्चों गवर्नमेंट गारंटेड अकाउंट्स पर भी एप्लीकेबल है आंसर इज यस क्विकली रिवाइज करा देता हूं गवर्नमेंट गारंटी में बच्चों दो बातें हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट वाले में बच्चों को बताना चाहूंगा एसेट क्लासिफिकेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा जब तक रेपिडिएट या इन्वोक ना हो जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी लेकिन इनकम रिकोगगनीशन पर बच्चो इंपैक्ट जो है वो आ जाएगा इनकम रिकोगग्नीशन जो है वो बंद हो जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के लिए बच्चों हम लोग नॉर्मल अकाउंट्स की तरह ही ट्रीट करेंगे नाइन्टी डेज वाले रूल से डन बोल दीजिए आ जाओ देन इसके बाद बच्चों अच्छा रेवेन्यू इंसल्टेंट याद है वायरलेस माउस काम नहीं कर रहा वायरलेस माउस काम नहीं कर रहा कम ऑन थोड़ी सी मेहनत करोगे सारे पॉइंट्स याद रखोगे जिंदगी भर याद रखोगे ऑडिट अप्रोच एंड प्रोसीजर फॉर इनकम ऑडिट अप्रोच एंड प्रोसीजर फॉर इनकम बच्चों सेकंड पार्ट पे आ गए हम लोग हमने पहले पॉइंट्स पढ़ लिए हैं फिर बात करते हैं रीनेगोशिएशन पे ध्यान से सुनिएगा बच्चों कॉन्टेंट भी रिवाइज करा रहा हूँ अंदर का रीनेगोशिएशन का अपूर्वा सुन लो जी रीनेगोशिएशन अक्रूवल बेसिस फॉर फीस एंड कमीशन क्या कह रहे हैं कि देखो भाई जो आपने अर्निंग uh, जो आप रेकग्नाइज कर रहे हैं रीनेगोशिएटेड और रीस्केड्यूल डेट पे वो क्रेडिट एक्सटेंशन पीरियड पे आप लोग जो है उसे रेकग्नाइज करेंगे आप उसे अक्रूवल बेसिस पे ही रिकग्नाइज करेंगे आप उसे रिसीव्ड बेसिस पे पर जो है वो नहीं करने वाले हैं फिर से बोल देता हूं आपकी जो भी अर्निंग हुई है रीनेगोशिएटेड और रीस्केड्यूल डेट पे यानी जिसके टर्म्स रीनेगोशिएट हुए हैं आपके और बोरोवर के बीच में बैंक और बोरोवर के बीच में उनकी जो अर्निंग्स हैं वो आप लोग कैसे रिकग्नाइज करने वाले हैं ओवर द क्रेडिट एक्सटेंशन पीरियड यानी कि आप उसे रियलाइजेशन बेसिस पे नहीं क्रेडिट एक्सटेंशन पीरियड के दौरान

चेक करेंगे मतलब याद है ना उसके लिए ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन करेंगे उस पर एनालिटिकल प्रोसेस लगाएंगे इंस्पेक्शन करेंगे इंक्वायरी करेंगे ऑब्जर्वेशन करेंगे वो सारी चीज़ें करके हम लोग जो है वो चेक करने वाले हैं इंटरेस्ट अर्न को फीस और कमीशन जो बिल्स कलेक्शन से अर्न करी है लेटर ऑफ क्रेडिट से अर्न करी है बैंक गारंटी से अर्न करी है इन शॉर्ट यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि भैया आप हो बैंक के ऑडिटर बैंक की जो इनकम है उस पर टेस्ट ऑफ डिटेल अच्छे से लगा लेना इज दैट क्लियर आ जाओ देन उसके बाद एडवांसेस अगेंस्ट सिक्योरिटी बिल्कुल सिंपल स्वीट पॉइंट बच्चों सिक्योरिटी मैट बिछा रखा है सिक्योरिटी मैट बिछा रखा है कहीं चेयर गिर ना जाए ऊपर थी रीनेगोशिएशन कहां पे होती है चेयर पे बैठ के इधर देखो एडवांसेस अगेंस्ट सिक्योरिटी बहुत सिंपल बहुत सिंपल बहुत सिंपल क्या बोलेंगे आपकी ये वो वाली सिक्योरिटीज हैं जिनको हम एनपीए भी नहीं मान रहे थे अगर एडिक्वेट मार्जिन था और ये कौन सी आपकी लोन होते हैं ये वो वाले एडवांस हैं जिनको हम एनपीए भी नहीं मान रहे थे जो अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट किसान विकास पत्र इंदिरा विकास पत्र नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट तो ऐसे टर्म लोन जो इनके अगेंस्ट थे बच्चों उनको हम एनपीए भी नहीं मान रहे थे अगर एडिक्वेट मार्जिन अवेलेबल है तो जब एनपीए नहीं मान रहे थे तो इनकम रिकग्निशन पर्पज के लिए भी हम लोग उनकी इनकम को रिकग्नाइज करते रहेंगे जब तक हमारे पास एडिक्वेट मार्जिन अवेलेबल है इज दैट क्लियर बोलिए आ जाओ Then, bill ये बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका डिस्काउंट था ऑन मतलब, बिल परचेज लोगों ने डिस्काउंट किया बैंक ने डिस्काउंट अर्न किया है वो डिस्काउंट क्या सही पीरियड्स में डिवाइड होना चाहिए कि नहीं आंसर इज यस बिल्कुल अप्रोप्रेटली बच्चों कट ऑफ उसका फॉलो करके उसे सही पीरियड में हम लोग डिवाइड करेंगे और याद रखें जो पीरियड बियॉन्ड एंड है जो पीरियड बियॉन्ड ईयर एंड से रिलेट करता है उसको हम लोग क्या करेंगे एज अ अदर लाइबिलिटी। ये क्वेश्चन याद रखना एज अ अदर लाइबिलिटी। क्यों? आपने बताना एज अ अदर लाइबिलिटी क्लासीफाई करेंगे अच्छा एंड अगर आपने पहले बिल परचेज किया फिर उसको रीडिस्काउंट करा दिया बिल परचेज पे जो अर्निंग हुई रीडिस्काउंट पे जो एक्सपेंस हुआ क्या बच्चों उसे सेट ऑफ ऑफसेट करके दिखाओगे आंसर इज नो no. आपने उसे ऑफसेट करके नहीं दिखाना है देखिए इंटरेस्ट पेड ऑन रीडिस्काउंटेड बिल्स बिल्स ऑन इंटरेस्ट पेड ऑन रीडिस्काउंटेड बिल्स मस्ट नॉट ऑफसेट डिस्काउंट अर्न ऑन दी बिल्स डिस्काउंटेड इज दैट क्लियर बोलिए

आ जाओ बच्चों बिल्कुल आपको पूरा घर घुमाऊंगा और पुराने वाले पॉइंट्स भी रिवाइज कराऊंगा और पुराने वाले पॉइंट्स रिवाइज करा के बच्चों आप लोगों को जो है फिर नए वाले पॉइंट्स पे लेके आऊंगा आ जाइए मेरे साथ जरा घर के बाहर चलते हैं बच्चों घर के बाहर जाने का समय आ गया है ये लो अब हम ले रहे हैं घर में एंट्री 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 एंट्री, एंट्री. लो जी लो बिल्कुल चले आ गए हम लोग बच्चों घर के बाहर ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये दूर से देखो बच्चों घर को एडवांसेस का ऑडिट करना है। याद है ना सबसे पहले तो बच्चों कितनी असेशन थी हमारे पास चार ये चार पेड़ लगे हुए ना चार असेशन ई मैं अब पे चला गया हूँ बच्चों दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ एंड वैल्यूएशन अच्छा जी फिर एडवांसिस के ऑडिट में बच्चों और क्या क्या पॉइंटर्स थे अब स्ट्रेट बच्चों घर में चले जाओ बिल्कुल एकदम गेट खोलो और अंदर घुस जाओ चलो 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 नए खा बुन लो बम बम बोले मस्ती में बोले लो भाई लो ये देखो इधर देखो बच्चो इधर देखो यहाँ पे हमारे पास कितनी चीजें पड़ी हुई थी इस वॉल पे चार एक पड़े थे हमारे पास बुक्स एक पड़ी थी माँ माइक प्रोविजन प्रोविजन प्रॉपर होना चाहिए एक था इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर होना चाहिए एक था वी विल कैरी आउट दी अप्रोप्रेट हाँ जी वी विल कैरी आउट दी अप्रोप्रेट अकाउंटिंग प्रोसीजर्स याद आ रही है बातें आ जाओ एक बार बच्चों पॉइंट भी दिखा देता हूं क्योंकि रिवाइज कर ही रहे हैं तो भाई साहब आलस ना करते हुए थोड़े से पॉइंट्स भी देख लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत बाद में महसूस बिल्कुल भी ना हो आ जाओ मेरे साथ इधर देखो पहले एडवांसेस वाले पॉइंट बच्चों इधर सारे पॉइंट याद हैं ई ER, बाहर पेड़ लगा हुआ था डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स आपका अमाउंट डॉक्यूमेंट से सपोर्ट होना चाहिए प्रोविजन माइक डिस्क्लोज क्लासिफाइड डिस्क्राइब स्पॉटलाइट डिस्क्लोज क्लासिफाइड डिस्क्राइब स्पॉटलाइट देन इंटरनल कंट्रोल फॉर सैक्शनिंग दी एडवांस डॉग बैठा हुआ था एंड वो बीन बैग ब्लू कलर वाला ब्लू कलर ही था ना बच्चों वो बीन बैग ब्लू कलर वाला एनालिटिकल प्रोसीजर्स चलो ये तो हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया था अब बच्चों अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ एक मिनट अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ तो वो था इंटरनल कंट्रोल को लेकर याद करो याद है इंटरनल कंट्रोल को लेके इंटरनल कंट्रोल के बारे में कुछ सीखना है तो बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ो और घूम जाओ और देखो इंटरनल कंट्रोल के सारे पॉइंट्स ये रहे आपके सामने पहला पॉइंट क्या था क्रेडिट वर्दी के इसके लिए इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए याद है आप लोगों को फिर बच्चों डॉक्यूमेंट्स के लिए इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए फिर टर्म्स ऑफ सैंक्शन एक एक पॉइंट याद आ रहा है टर्म्स ऑफ सैंक्शन फिर एडिकुएट क्या होना चाहिए कमान एडिकुएट क्या होना चाहिए फायर प्लेस और टीवी के बीच में क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी फिर बात करते हैं बच्चों सिक्योरिटी की ओनरशिप बैंक के नाम पे होनी चाहिए फिर अगर कोई ऐसी सिक्योरिटी जिसका रजिस्ट्रेशन होना है ये ट्रेडमिल दिख रहा है आपको ये अपराइड बाइक ये भी बच्चों रजिस्ट्रेशन भी बैंक के नाम पर होना चाहिए स्पीड सही लग रही है रिविजन चल रही है पुराने वाली क्लास की पुराने से पुराने वाली क्लास की अच्छा जी उसके बाद बच्चों ये टेबल देखो जरा टेबल देखो एवरी वन एवरी वन ये टेबल क्या है ये वो प्रॉपर्टी है जो गुड्स इन दी पोजिशन ऑफ दी बैंक गुड्स इन द पोजिशन ऑफ दी बैंक पैकेट आएगा तो खोलकर देख लेना और उसके बाद भी गोडाउन पे रीजनेबल इंटरवल्स पे विजिट करते रहना है याद है टेबल के नीचे क्या पड़ा हुआ है ड्रॉइंग पावर रजिस्टर कमॉन ड्रॉइंग पावर रजिस्टर ड्रॉइंग पावर का टॉपिक हमने पढ़ा था यस yes. फिर बच्चों घड़ी क्या बताती है घड़ी क्या बताती है घड़ी क्या बताती है लिमिट ये बार स्टूल देख के क्या याद आता है इररेगुलर और मम्मी बेटा किचन से क्या करती रहती हैं रिव्यू करती रहती हैं बताइए सारे पॉइंट्स क्या आप लोगों को याद आ रहे हैं मुझे बता दीजिए कमॉन एवरी वन आई सी वाले पॉइंट्स दे रहे बच्चों सारे के सारे देखो सारे के सारे पॉइंट्स हमने याद कर लिए क्या ये याद आ गए आपको जल्दी बोल दो रिवीजन वीडियो में समझा भी रखें वहां से कर लेना अब बच्चों समय आ गया है आज के पॉइंट्स को कवर करने का इनकम वाले पॉइंट्स को कवर करने का क्या हम लोग कवर कर पाएंगे अजी हमने तो कवर कर ली अब तो सिर्फ हम लोग रिविजन वीडियो बनाने के लिए जो है एक बार दोबारा से शेयर कर रहे हैं तो वापस आइए बच्चों पीछे हो जाते हैं पीछे हो जाते हैं पीछे हो जाते हैं पीछे हो जाते हैं है, है, अरे ज़्यादा पीछे हो गए अब चलते हैं बच्चों सीधा कहां पे बोलो 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 इनकम का ऑडिट कौन से फ्लोर पे हो रहा है नीचे तो एडवांस का ऑडिट हो रहा था इनकम का ऑडिट कौन से फ्लोर पे हो रहा है फर्स्ट फ्लोर पे चलो भाई चलो फर्स्ट फ्लोर पे फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग गए और पहला रूम बच्चों फर्स्ट फ्लोर पे इस पर हमने एंट्री ली यहां बैठा है ऑडिटर चले गए सीधा और अब जरा घूम के देखते हैं क्या कर रहा है भाई साहब इस रूम के अंदर बैठ के ओ माई गॉड टेबल ऑडिटर्स कंसर्न याद है ना असेशन आ जाएंगे सारी की सारी उसके बाद बच्चों लेकिन लैंप क्या देता है आरबीआई डायरेक्शन लैम के साथ जो बुक पड़ी हुई है इन मटीरियल अदर देन मटीरियल इनकम लैपटॉप देख के बच्चों मैकबुक मैकबुक लैपटॉप कह के तो मैंने इसकी कर दी MacBook से बच्चों क्या मिलती है सर्टेनिटी और ये ये जो वायरलेस माउस पड़ा नलायक सा वायरलेस माउस पड़ा है ये कैसा है बच्चों अनसर्टेन हाँ जी नेगोशिएशन कहां बैठ के रीनेगोसेशन कहां बैठ के होती है चेयर पे चेयर गिरना जाए सिक्योरिटीज के अगेंस्ट एडवांस कहां पे आ गया मैट पे सिक्योरिटी मैट कह देता है सिक्योरिटी और याद रखें बच्चों ऑर्डर करते करते नींद आती है तो बेड परचेस्ड एंड बेडशीट कलेक्टेड यानी बिल परचेज एंड बिल्स कलेक्टेड डन बोलिए हाँ के ना सारे पॉइंट याद हैं अच्छे से एकदम पक्का चलो बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया रिविजन भी बच्चों यहाँ पे हमारी हो चुकी है चलो बच्चों चलो तो आज हमने सबसे पहले क्या पढ़ना शुरू किया सबसे पहले आते ही बच्चों हमने जो हमारे इनकम के पाप बचे हुए थे उनको धोए और इनकम के पाप में बच्चों हमारे पास था रिवर्सल ऑफ इनकम एक प्रिंसिपल निकल के आया हमारे पास वो प्रिंसिपल क्या है कि अगर आपका कोई एसेट एनपीए है उस पर कोई इंटरेस्ट अक्रूव होकर क्रेडिट हो चुका था और रियलाइज नहीं हुआ है उसे जल्दी से क्या कर दो बेटा रिवर्स कर दो ये चाहे आपका गवर्नमेंट गारंटेड एडवांसेस क्यों ना हो अकाउंट्स क्यों ना हो उस पर भी ये पॉइंट एप्लीकेबल रहेगा ऐसे ही एनपीए से रिलेटेड जो फीस और कमीशन है उसको भी आप लोग रिवर्स कर दो इफ इनकलेक्टेड इफ अनकलेक्टेड लार्ज लार्ज अनएक्सप्लेन डेबिट्स हैं तो हम लोग भाई ऑडिटर जो है उस पर मांग लेगा अगर इंटरेस्ट इनकम अकाउंट में लार्ज अनएक्सप्लेन डेबिट्स हैं तो ऑडिटर उस पर एक्सप्लेनेशन मांगेगा उसकी इंक्वायरी करेगा अच्छा जी मैनेजमेंट से हम यह भी इंक्वायरी करेंगे क्या बॉरवर्स ने आपको पॉइंट आउट किया है अननेसेसरी और या मैं बोलूंगा कि डिफरेंस इन द इंटरेस्ट चार्ज अगर हां तो आपने अप्रोप्रेट एक्शन क्या लिया है तीनों बातें चारों बातें दोबारा से सबसे पहले बच्चों दो बातें रिवर्सल से रिलेटेड है ये कमीशन फीस है और ये इंटरेस्ट है आपको अक्रू होकर क्रेडिट कर लिया था लेकिन रियलाइज नहीं हो रहा रिवर्स कर दो लास्ट डेबिट्स हैं अनएक्सप्लेन है इंक्वायरी कर लो बॉर्वर से बॉरवर से कहीं कोई आप लोगों के पास कम्युनिकेशन तो नहीं आया है डिफरेंट इंटरेस्ट चार्जेस को लेकर उस पर इंक्वायरी कर लो कैसे एक्शन लिया था यह बता दो लीज सेट बिल्कुल ही निहायत ही निकम्मा टॉपिक कुछ भी नहीं इसमें वही बात है फाइनेंस इनकम यानी जो आपका इंटरेस्ट था अक्रू और क्रेडिट हो गया था बिफोर एसेट बिकम एनपीए रिमेनिंग अनरियलाइज उसको भी क्या कर देंगे हम लोग रिवर्स uh, कर देंगे टेक आउट फाइनेंस बच्चों टेक आउट फाइनेंस बस एक बात ध्यान रखनी है आपने ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है ये तो उसकी सारी एक्सप्लेनेशन थी जो हमने क्लास में दी थी अब के लिए बस आपको एक बात ध्यान रखनी है अगर आपका टेक आउट फाइनेंस एनपीए हो गया था तो हम लोग तभी उसमें इनकम को रेकग्नाइज करेंगे हाँ जी हम लोग तभी उसमें इनकम uh, को रेकग्नाइज करेंगे जब या तो बॉरवर या तो टेकिंग आउट इंस्टीट्यूशन कुछ पे कर देगा अगर उन्होंने कुछ पे नहीं किया है तो हम लोग इनकम को तब तक रेकग्नाइज नहीं करेंगे अच्छा जी देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इनकम रिकग्नेशन और पार्सल रिकवरी क्या प्रिंसिपल्स थे इंटरेस्ट रिकवर है तो उसे आप इनकम मान सकते हो नो प्रॉब्लम एट ऑल लेकिन याद रखिए इट शुड नॉट कम फ्रॉम दी एडिशनल और फ्रेश क्रेडिट फैसिलिटीज सैक्शन टू दी बॉर हम उसे इनकम मान सकते हैं बट इट शुड नॉट कम फ्रॉम एडिशनल और फ्रेश क्रेडिट फैसिलिटी सैक्शन टू दी बोअर अगर कोई क्लियर एग्रीमेंट नहीं है तो बैंक को क्या करना चाहिए पहले तो एग्रीमेंट हो तो बहुत अच्छी बात है अप्रोप्रेशन के लिए कि इंटरेस्ट में ले जाना है प्रिंसिपल में ले जाना है नहीं है क्लियर एग्रीमेंट तो हम लोग क्या करेंगे यूनिफॉर्म कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करेंगे फॉर दी पर्पज ऑफ अप्रोप्रेशन ऑफ द इनकम रिसीव ऑन एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अच्छा जी मेमोरेंडम अकाउंट आपका एक एनपीए था जिसपे आपने जो है वो इनकम रिवर्स कर ली थी जो आपको रियलाइज नहीं हुई थी वो वाली इनकम और साथ साथ में उसके बाद जो आने वाला इंटरेस्ट जो आप लोग उसके ऊपर चार्ज करने वाले थे वो वाला इंटरेस्ट तो आपका जो इंटरेस्ट अपने अनरियलाइज था रिवर्स किया वो प्लस जो आपको इंटरेस्ट आने वाला था वो दी थिंग नॉट बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट दिल बट इन मेमोरेंडम अकाउंट एंड दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दी ग्रॉस एडवांस अमाउंट लीजे। फिर से एनपीए रिवर्स हो गया था इंटरेस्ट चार्ज रियलाइज नहीं हुआ था चलो जी हमने इसलिए रिवर्स कर हम नहीं करेंगे और ये इंटरेस्ट आपके ग्रॉस एडवांस में इंक्लूड नहीं होना चाहिए आ जाओ देन उसके बाद बच्चों नहाया थी, नहाया थी निकम्मी बातें इनकम को लेके इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बच्चों तीन बातें याद रखना इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इसमें वो सारी इनकम आती हैं जो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे कॉरपोरेट बॉन्ड पे कॉरपोरेट डिवेंचर पे या किसी और तरीके से आप इन्वेस्टमेंट पे जो है इंटरेस्ट से कर रहे हैं या इवन डिविडेंड से कर रहे हैं पॉइंट टू बी नोटेड माई लॉर्ड अगर आप यानी बैंक खुद की सब्सिडी के अंदर उसने जो पैसे डाल रखे हैं उससे डिविडेंड आ रही है तो वह हम लोग इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट या डिविडेंट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट बेसिकली इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट के अंदर नहीं ले जाएंगे इज दैट क्लियर बोल दो अच्छा जी दूसरी बात प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट हो या लॉस हो बैंकिंग एक्टिविटी का पार्ट है इट शुड बी इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट तो याद रखें बच्चों आरबीआई की गाइडलाइन है कि इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करना है पीरियडिकल इंटरवल पर कोई भी डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन है तो इट शुड बी रिकॉग्नाइज एंड टेकन टू दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खत्म इनकम वाला पार्ट अब बात करते हैं एक्सपेंस की मेजर मेजर बच्चों कितने तरह के एक्सपेंस हैं जल्दी बोल दो तीन तरह के इंटरेस्ट ऑपरेटिंग

हाँ सर आ जाओ मेरे साथ सबसे पहले बच्चों सारे पॉइंट बता दो सबसे पहले हमने क्या करा था रीजनेबलनेस कंपेरिजन प्रीवियस ईयर कंपेरिजन बजट वेरिफिकेशन प्रॉपर डिटेल में जाके राइट right. और फिर बच्चों चेंज इन इंटरेस्ट रेट एंड कम्प्ली एंड हमारे पास आगे थी कंप्लीटनेस आ जाओ इन सारे प्रोसेसेस को बच्चों हम लोग अपने चार्ट से एक बार पढ़ भी लेते हैं इधर देखो रीजनेबलनेस रीजनेबलनेस में हमने क्या देखा था हम लोग ओवरऑल रीजनेबलनेस चेक करने की कोशिश करेंगे कैसे हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है और हमारे पास जो है वो डिपॉजिट्स कितने थे इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है और हमारे पास जो है वो डिपॉजिट्स कितने थे डन बोल दो हां के ना अब इसके लिए मैंने आपको चार स्टेप बताए हैं आपको बच्चों डिटेल में लिख के आने की या डिटेल में याद करने की बिल्कुल घोटने की जरूरत नहीं है बेसिक आइडिया रखो सबसे पहले हम उनसे क्या पूछ लेंगे भाई डिपॉजिट कितने थे फिर हम लोग क्या करेंगे हम लोग इंटरेस्ट एज पर इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर लेंगे फिर एक्चुअल इंटरेस्ट देख लेंगे अगर उसके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो फर्दर इंक्वायरी कर लेंगे डिपॉजिट कितने थे कैलकुलेट द इंटरेस्ट कंपेयर विद एक्चुअल मटीरियल डिफरेंस फर्दर इंक्वायरी डन आ जाओ देन उसके बाद बच्चों बहुत आसान हमने क्या करना है प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट से इस ईयर के इंटरेस्ट को कैलकुलेट कंपेयर करना है मटीरियल डिफरेंस है इंक्वायर करेंगे विद बजट बजट इस इस साल के इस साल के के इंटरेस्ट एक्सपेंस को से कंपेयर करना है मटेरियल डिफरेंस इंक्वायरी करेंगे बजटिंग प्रोसीजर को भी समझने की कोशिश करेंगे अच्छा जी वेरीफाई दी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ये बढ़िया पॉइंट है हम लोग क्या करेंगे बच्चों टेस्ट चेक करेंगे बेसिकली सैंपल बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट को जो है वो चेक करने वाले हैं और क्या क्या चीजें चेक करेंगे इंटरेस्ट सारे इंटरेस्ट सारे डिपॉजिट्स पे दिया गया है रेट सही है पहले तो इसके ऊपर वाले पॉइंट बता देते हैं नंबर वन इंटरेस्ट ऑन ऑल द डिपॉजिट रेट क्रेडिटेड यानी कि सही तरीके से दिया गया है और इंटर ब्रांच बैलेंस याद है इंटर ब्रांच बैलेंस तो इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन ऑल डिपॉजिट अप टू बैलेंस शीट डेट रेट इन अकॉर्डेंस विद बैंक इंटरनल रेगुलेशन आरबीआई डायरेक्टिव एग्रीमेंट विद द डिपॉजिट होल्डर क्रेडिटेड इन अकॉर्डेंस विद द रूल फ्रेम बाय द आरबीआई एंड इंटर ब्रांच बैलेंस मस्ट बी एट द रेट स्पेसिफाइड बाय एचओ और आरबीआई डन आइए देन चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट तो हम लोग देखेंगे क्या ड्यूरिंग द ईयर कोई चेंज हुआ था इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग एंड टर्म डिपॉजिट हम लोग इसके लिए इंटरेस्ट रेट कार्ड यानी कि वो डॉक्यूमेंट मंगा लेंगे और चेक करेंगे कि भाई साहब डिफरेंट डिफरेंट डिपॉजिट पे जो है हमारा इंटरेस्ट रेट इन्होंने जो कैलकुलेट कर रखा है वो एज पर दी रेट कार्ड कर रखा है या नहीं कंप्लीटनेस ऑर्डर यहाँ पे क्या करता है ऑर्डर देखेगा कंप्लीटनेस दैट इंटरेस्ट हैज बीन एक्रूड ऑन द इंटायर बोरिंग पोर्टफोलियो एंड द सेम शुड एग्री विद द जनरल लेजर इन शॉर्ट देर मस्ट बी नो अनरिकॉर्डेड इंटरेस्ट एक्सपेंस ओके

अगेन हम लोग कुछ अन यूजल चीज़ अगर मिलती है उसे फर्दर इंक्वायर करेंगे फर्दर एग्जामिन करेंगे इसमें दे के आ सकते हो अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस के रेशियो निकाल लेंगे टोटल ऑपरेटिंग रेशियो के साथ टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस के साथ एंड इफ देर इज गोइंग टू बी एनी अन यूजल फ्लक्चुएशन वी आर गोइंग टू फर्दर इन्वेस्टिगेट देन अब हम बच्चों फाइनली उतर रहे टेस्ट ऑफ डिटेल पर वी विल वेरीफाई फ्रॉम दी डॉक्यूमेंट्स एंड चेक दी कैलकुलशन क्या हम लोग बच्चों एक्सपेंसिस को देखेंगे उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं या नहीं कैलकुलेशन भी चेक करेंगे वेन एवर रिक्वायर्ड आखिरी पॉइंट बच्चों ऑडिट ऑफ प्रोविजन एंड कंटीजेंसी हां जी ऑडिट ऑफ प्रोविजन एंड कंटीजेंसी इसमें सबसे पहले क्या है हम लोग कंप्लाइंस चेक करेंगे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से कंप्लाइंस तो तब चेक करेंगे जब खुद को अंडरस्टैंडिंग होगी प्रोविजनिंग की क्लासिफिकेशन की एक बार अंडरस्टैंडिंग आ गई फिर तो भाई वेरीफाई भी कर ही लेंगे कम ऑन एक बार अंडरस्टैंडिंग आ गई फिर तो वेरीफाई भी कर ही लेंगे यानी टेस्ट ऑफ डिटेल पर हम लोग उतर के आ चुके हैं बस यहां तक उसके बाद क्या है प्रोविजन फॉर टैक्स की कंप्यूटेशन अदर प्रोविजन एंड कंटीजेंसी अदर प्रोविजन एंड कंटीजेंसी के दो पॉइंट याद करा दो सर्कमस्टेंसेज एडिक्वेसी क्या प्रोविजन होना भी चाहिए था अगर होना चाहिए था एडिक्वेट है या नहीं यही सारी गप्पे हम किसके साथ बैठ के मारे

Feeling a proud Indian, feeling a proud Indian. Chalabai.